नमो गुभ्य श्रीमतिभ्य शौरभ्य च नमो ब्रह्मसुताभिश्चभ्य पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीमतिभ्य अर्थात इस सृष्टि की सबसे सम्माननीय जीव हमारी गौ माता सौर भेव्य, हमारी गौ माताएं जो सूर्य नारायण की प्रतिनिधि हैं, ब्रह्म सुताभ्यश्चभ्य अर्थात ब्रह्मा की पुत्रियां हैं, ऐसी परम आदरणीय गौ माताओं को कोटि कोटि नमन। मोरबी नगर की जनता, भाई बहन, सभी गौ भक्तगण, राष्ट्र भक्तगण, परम आदरणीय बाबा स्वामी जी और उनकी प्रेरणा से संगठित समर्पण, समर्पण के सभी भाई बहन, आप सभी को आभार। आपके प्रयास से मोरबी नगर की जनता के साथ मुझे संवाद करने का आज यह दूसरा दिन प्राप्त हुआ है। कल गौ विज्ञान की कथा संवाद के दौरान जिन विषयों को मैंने आपके सम्मुख रखा था उसमें से कुछ प्रश्न थे जिनका समाधान आज की कथा में करने की पूरी कोशिश करूंगा। कल संवाद में हमने चर्चा किया था कि किस तरह से हमारी गौ माताएं सूर्य नारायण से निकलने वाली सभी नौ ऊर्जाओं को अपने शरीर के सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से अपने शरीर में संग्रहित करती है और दिन भर चरने वाली अपनी वनस्पतियों में उसे समाहित करती है। समाहित करने के बाद उसमें जो कुछ भी विष रूपी तत्व होता है उसे वह अपने शरीर में धारण करती है और उसका उस वनस्पति से निकला हुआ जो मधुर रस है वह दूध के माध्यम से हमें प्रदान करती है। उस वनस्पतियों में जो कसाई रस है वह गौमूत्र के माध्यम से हमें प्रदान करती है और जो कुछ भी भूमि तत्व है वह हमें गोबर के रूप में प्रदान करती है। हमारा यह शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। हमारा यह मानव का शरीर या इस पृथ्वी पर रहने वाले 84 लाख तरह के जीव जंतु प्राणियों में और वनस्पतियों के शरीर में भी यही तत्व समाहित होते हैं। हमारे पुराणों में वर्णित है क्षिति जल पावक गगन शमीर पंच रत्न यह बना शरीर। यह जो शरीर है वह शौर्य मंडल के 5 रत्नों से बना हुआ है। रत्न का अर्थात आज की भाषा में अगर हम कहें तो कंपाउंड एलिमेंट, इसे यौगिक तत्व के रूप में हम जान सकते हैं। 5 यौगिक तत्वों से यह मनुष्य शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों से 84 लाख योनि यानी जीव जंतुओं का भी शरीर बना है। हमारी आंखों के सामने जितना कुछ वनस्पति दिखता है इन वनस्पतियों में भी यही 5 यौगिक तत्व हैं। हमारी गाय इसी धरती पर विचरते हुए जिन वनस्पतियों को ग्रहण करती है, जिस तरह के भोजन को ग्रहण करती है, उस भोजन से जो कुछ भी मधुर रस बनता है वह इन्हीं यौगिक तत्वों का तत्वों में एक जल तत्व है। दूसरा जो गोबर के रूप में निकलता है वह भूमि तत्व है और जो कुछ भी
मूत्र के रूप में निकलता है वह वायु तत्व है। इनमें से दो तत्व ऐसे हैं जो हमारी गौ मैया साक्षात रूप में सीधे सीधे नहीं देती है। उसमें एक तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व हमें गाय से गौ मैया के माध्यम से सीधे नहीं मिलता, और दूसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व भी गौ मैया हमें सीधे प्रदान नहीं करते। अग्नि तत्व और आकाश तत्व ये दो छुपे हुए ऐसे तत्व हैं, ऐसा कंपाउंड एलिमेंट है जो गाय की नाभि में स्थित होता है। इसी की खोज शतयुग में हमारे महर्षियों ने की, और इस खोज के लिए इस सृष्टि पर सबसे बड़ा प्रयोग किया। उसी प्रयोग को हमारे पुराणों में क्षीर सागर के मंथन के नाम से वर्णित है। यह क्षीर सागर का मंथन इतना बड़ा इस सृष्टि पर प्रयोग हुआ कि आज तक ऐसा प्रयोग इस सृष्टि पर कभी नहीं हुआ। एक ऐसा प्रयोग जिस प्रयोग के माध्यम से हम संसारवासियों को अमृत मिला। ऋषियों ने देवताओं और असुरों दोनों की मदद से, यानी हमारे अंदर जो छुपा हुआ देवत्व है उस देवत्व को लेकर, और हमारे शरीर के अंदर जो छुपा हुआ असुरत्व है, इन दोनों शक्तियों को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ, क्षीर सागर का मंथन प्रयोग। और उसी प्रयोग का जो निष्कर्ष निकला, परिणाम निकला, कि हमें इस संसार में जीने के लिए अमृत मिला। दो तत्व जो प्रकृति में छुपी हुई अवस्था में है, अग्नि और आकाश, ये दो तत्व उसी क्षीर सागर के मंथन से निकले। क्षीर सागर के मंथन एक अद्भुत घटना कथा है, जिसमें हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, कि कोई एक सागर था इस धरती पर जिसका नाम था क्षीर सागर। बहुत विशाल यह सागर था, और उस सागर में मेरु नाम का पर्वत, उस पर्वत को मथनी बनाकर और शेष नाग के शरीर रूपी रस्सी से जब उसका मंथन किया गया पृथ्वी के घूमने की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में, जब मंथन किया गया और मंथन की क्रिया इस सृष्टि की दो शक्तियों ने किया, देवत्व शक्तियां और असुरत्व शक्तियां, इन दोनों शक्तियों ने जब यह क्षीर सागर का मंथन किया, तब उसमें से कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु अर्थात हमारी अद्भुत गाय प्रकट हुई, और उस गाय के नाभि से अमृत की खोज हमारे ऋषियों ने की, ऐसा वर्णित है हमारे पुराणों में। लेकिन समय के साथ हमारा देश गुलाम हुआ, गुलामी दास्ता में हमारा देश बंधा, आज तक बंधा हुआ है। पिछले 7 वर्षों से हम गुलामी की मार को झेल रहे हैं, और पिछले 700 वर्षों से हमें यही बताया जा रहा है, पहले विदेशियों द्वारा, मुगलों द्वारा बताया गया, फिर अंग्रेजों द्वारा बताया गया, और अब पिछले 68 सालों से काले अंग्रेजों द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह क्षीर सागर का मंथन कोरी कल्पना थी। यह एक मनगढ़ंत कहानी थी, इस कहानी का कोई सार नहीं है, इस कहानी में कोई विज्ञान नहीं है। लेकिन हम सभी को आश्चर्य तब हुआ जब इसी क्षीर सागर के मंथन का अनुकरण करते हुए यूरोप के स्विट्जरलैंड में इस परीक्षण की पुनरावृत्ति हुई। फिर से इस परीक्षण को स्विट्जरलैंड की धरती पर दोहराया गया, और दोहराने के बाद भारत जो सदियों से कहते आ रहा है कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर है, इसकी पुष्टि की। इस प्रयोग का नाम वैज्ञानिकों ने दिया बिग बैंग थ्योरी। आप सभी ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बिग बैंग नाम की थ्योरी आज से 5-6 साल पहले स्विट्जरलैंड की धरती पर किया गया, और उस प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा कि हमने ईश्वर का दर्शन कर लिया है, ईश्वर की खोज कर ली है। उसे उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि हम लोगों ने गॉड पार्टिकल्स की खोज कर ली है। आपको जब भी समय मिले इस बिग बैंग थ्योरी और उसमें काम में लाए जाने वाले इक्वलाइडर मशीन्स, इसके पूरे गणित को आप समझने की कोशिश करें।
मैंने जितना समझने की कोशिश की है उसमें से यही निकला है कि यह कोई नया प्रयोग नहीं है, बल्कि हमारे शतयुग में किए गए क्षीर सागर के मंथन की प्रयोग का पुनरावृत्ति है। क्षीर सागर के मंथन में ऋषियों ने कहा था कि इसमें से कामधेनु प्रकट हुई है और कामधेनु के नाभि में अग्नि छिपा हुआ है, अमृत रूपी अग्नि छिपा हुआ है और उसी में इस सृष्टि का आकाशीय तत्व भी छिपा है। मनुष्य के शरीर में भी ये दो तत्व छिपी हुई अवस्थाओं में हैं। तीन, भूमि तत्व, जल तत्व और वायु तत्व। ये तीन चीजें तो गैया हमें साक्षात देती है, स्पष्ट रूप में देती है, दृष्टव्य रूप में देती है, गोबर गोमूत्र और दूध के माध्यम से। लेकिन यह जो दो तत्व है, अग्नि तत्व और आकाश तत्व है, यह सीधे सीधे नहीं देती, क्योंकि गाय के शरीर के नाभि में यह सुषुप्त अवस्था में, सोए हुए अवस्था में, छिपी हुई अवस्था में है। जब उसमें से क्षीर सागर के मंथन से यह जब प्रकट हुई कामधेनु, तब सृष्टि का वह पहला दिन था जिस दिन इस सृष्टि पर दूध से दही बनाने की कला विकसित हुई। कल्पना करो, इस धरती पर कोई एक दिन तो ऐसा होगा, कोई एक ऐसा व्यक्तित्व तो होगा जिसने दूध से दही बनाने की कला खोजी होगी। वह कौन सा दिन होगा जिस दिन दही में मंथन की पहली क्रिया हुई होगी? वह कौन ऋषि होंगे, वह कौन वैज्ञानिक होंगे जिन्होंने दही के मंथन की क्रिया को ढूंढकर निकाली हो, दही को मथकर और उसमें से मक्खन निकाली हो? इस सृष्टि पर वह कौन दिन होगा, वे कौन ऋषि होंगे जिन्होंने दही के मंथन को करके उसमें से मक्खन को निकाला होगा और उस मक्खन को अग्नि पर तपा कर घृत बनाया होगा? गैया का दूध जो इस सृष्टि का शुद्ध जल है। अगर शुद्ध जल की परिकल्पना करना हो तो हमारी गैया के थन से निकला हुआ दूध यह सृष्टि का शुद्ध जल है। जो बिल्कुल शुद्ध जल है उसमें से अग्नि की खोज कर लेना, यह सृष्टि की सबसे बड़ी खोज थी। जो जल दिखता है उसमें अग्नि की परिकल्पना नहीं हो सकती, लेकिन उसी दूध को दही में बदलकर, उस दही को मथकर छाछ में बदलकर, उसमें से मक्खन को निकालकर और उस मक्खन को अग्नि पर तपाकर घृत रूपी अग्नि या घृत रूपी अमृत की खोज इस सृष्टि की पहली खोज है। और इसी खोज की पुनरावृत्ति जो है स्विट्जरलैंड में बिग बैंग थ्योरी में एक कोलाइडर मशीन के माध्यम से किया गया। इन दोनों घटनाओं को जब आप एक साथ एक पटल पर रखकर आप देखेंगे, दोनों की क्रियाओं का जब आप अध्ययन करेंगे, तब आपको यह सच समझ में आ जाएगा कि बिग बैंग थ्योरी में जो किया गया परीक्षण है वह इस सृष्टि का कुछ नया नहीं, बल्कि हमारे क्षीर सागर के मंथन से चोरी की गई थ्योरी है, जिसमें यह आधुनिक युग में सत्यापित किया गया कि यह पूरी की पूरी जो सृष्टि है वह ईश्वरीय कण से बना हुआ है। सृष्टि के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। इस पर अगर मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूं तो इस तरह से कर सकता हूं कि कुछ साल पहले तक, 50 साल पहले तक आधुनिक विज्ञान के विज्ञानी कहते आए हैं कि विश्व का जो सबसे छोटा कण है वह अणु है, वह अणु है जो विश्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है। लेकिन समय के साथ यह धारणा झूठी हुई और एक नए विज्ञान का उदय हुआ जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, अणु को भी तोड़ा जा सकता है और तोड़कर परमाणु बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अणुओं को बम्बार्डमेंट कर तोड़ा और तोड़ने के बाद परमाणु तैयार किया और फिर वैज्ञानिकों ने एक धारणा इस दुनिया को दी कि विश्व का जो सबसे छोटा कण है वह परमाणु है, अणु नहीं है। अणु की धारणा खत्म हुई, समाप्त हुई और परमाणु का युग निकल चला। बहुत सालों तक यह परमाणु का युग रहा और फिर वैज्ञानिकों ने इसे भी झुठलाया, परमाणु को भी एक विशेष अवस्था में बम्बार्डमेंट कर तोड़ दिया और तोड़ने के बाद कहा कि परमाणु भी टूटते हैं और टूटकर इसके तीन खंड होते हैं,
एक खंड जो उसके नाभि में है वह प्रोट्रॉन कहलाता है, दूसरा खंड जो नाभिक में ही है वह न्यूट्रॉन कहलाता है, और बाहरी कक्षा में घूमने वाला जो है वह इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इसी के साथ जो है एक विज्ञान का नया युग शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोट्रॉन और नमो गोव्य श्रीमतेभ्य शौरभेभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य चव्य पवित्रभ्यो नमो नमः। श्रीमतेभ्य अर्थात हमारी गैया बहुत ही सम्माननीय है, सौर भेयव्य हमारी गैया सूर्य नारायण की प्रतिनिधि है, हमारी गैया सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की पुत्रियां हैं, ऐसी परम आदरणीय सम्माननीय हमारी गौ माता को 100 बार नमन। परम आदरणीय बाबा शिव कृपा स्वामी जी महाराज और उनके साधकों के प्रयास से आज मोरबी नगर में इस गौ कथा का जो आयोजन हुआ है इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। पिछले कुछ वर्षों तक भारत भूमि पर गौ माता की महिमा की कथा आध्यात्मिक स्वरूप में बहती रही। सदियों से विदेशियों का आक्रमण हमारे देश पर होता रहा, आज भी अप्रत्यक्ष आक्रमण जारी है, और इन सभी आक्रमणों की मार झेलते हुए आज भी हमारी गैया गौ माताएं हमारे दिलों में बस रही हैं। इस माँ के प्रति जो हमारा समर्पण है, इस माँ के प्रति जो हमारा सम्मान है, यह आज भी कम नहीं हुआ, यह उनका ही प्रताप है। दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ विज्ञान या हम भूगोल कहें ऋग्वेद, इस ऋग्वेद में इस सृष्टि के निर्माण से लेकर इस सृष्टि के प्रलय तक की कहानी है। किस प्रकार से हमारा यह सौर्यमंडल सूर्य परिवार दो बड़े तारों के टकराने से निर्मित हुआ, और किस प्रकार इसकी चुंबकीय शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और पूरा सौर्यमंडल एक प्रलय में डूब जाएगा, यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की घटना, जो बीत गया और जो आने वाला है, सब कुछ इस ऋग्वेद में समाहित है। ऐसा उत्कृष्ट ग्रंथ है, ऐसा उत्कृष्ट विज्ञान को अपने आप में लिए हुए यह ऋग्वेद कहते हैं यतो गावस्त तो वयम्, यह संसार और संसार में हम मनुष्य सभी यहाँ पर विद्यमान हैं, क्योंकि इस संसार में गाय है, गाय की ही कृपा है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर है, गाय से हम सभी हैं। गाय है इसलिए इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य में चेतना है, उनमें संस्कार है,
परिवार में रहने का गुण है, यह सभी कुछ है क्योंकि गाय है। यह धारणा या हम कहें यह विज्ञान सदियों से हम जानते आए हैं, समझते आए हैं, लेकिन पिछले 250 वर्षों में एक नए विज्ञान का उदय हुआ। इस विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। यह विज्ञान हमें सहजता प्रदान करता है, जीने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन हम जिस धरती पर जी रहे हैं उसकी आयु निरंतर बढ़ते रहे, यह उस विज्ञान का विषय नहीं होता है। इस विज्ञान के उदय के साथ ही हमारी गाय और उसकी जो महिमा है इसका धीरे धीरे पतन हुआ, और यह पतन धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गई कि आज भारत राष्ट्र में ही गायों का अस्तित्व जो है वह खतरे पर है। इसे समझने के लिए अगर एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर बात अगर मैं करूं, तो हमारा देश पिछले 700 वर्षों से गुलाम है। 68 साल पहले प्रत्यक्ष गुलामी से हमें मुक्ति मिली। 1947 का वर्ष जब अंग्रेज इस धरती को छोड़कर वापस ब्रिटेन चले गए, अंग्रेजों ने जाने से पहले 2 साल पहले इस देश में एक सर्वेक्षण किया, ज्ञात किया कि इस धरती पर कितनी नदियां हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने गांव हैं, कितने स्कूल हैं, कितने झरने हैं और कितने पशुधन हैं। उस दस्तावेज को अगर हम माने, तब अंग्रेजों द्वारा तैयार किया हुआ 1945 का वह दस्तावेज कहता है कि 1945 तक हमारे देश में गायों की संख्या 32 करोड़ थी और हम मनुष्य की जनसंख्या 34 करोड़ थी। औसतन अगर हम बात करें तो 1945 का भारत या 1947 तक का भारत, एक भारतीय के पीछे एक गाय थी। ऐसा भारत अंग्रेज छोड़कर गए। उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर भी अगर हम चर्चा करें तो उन दिनों भारत का 1 रुपया अमेरिका के 1 डॉलर के बराबर था। यह हमारी आर्थिक स्थिति थी। हमारे देश में पशुओं की स्थिति और उसमें खासकर हमारी गौ माता की स्थिति प्रत्येक एक भारतीय पर एक थी। अगर बीमारियों पर बात करूं तो हमारे देश में आज जितने भी हम गंभीर बीमारियों के नाम सुनते हैं, जैसे कैंसर, जैसे मधुमेह, जैसे सोरायसिस, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की कोई भी बीमारियां हमारे देश में ना थी या गिनती की थी। ऐसा हमारा राष्ट्र भारत, 1947 का भारत। अंग्रेजों के प्रत्यक्ष रूप से चले जाने के बाद आज 2016 लगभग 68 वर्ष बीत गए। इस 68 वर्ष में भारत का विकास कितना हुआ या भारत का पतन कितना हुआ, अगर इस पर मैं चर्चा करूं आपसे, तो आज हमारे देश में गायों की संख्या मात्र 3 करोड़ बची है। मात्र 3 करोड़। हमारी जनसंख्या बढ़कर 127 करोड़ हो गई। 127 में भाग आप लगाएं 3 से, कितना होता है? लगभग 45 का हिस्सा बैठता है। और भारत की मूल प्रजातियों पर अगर मैं बात करूं तो भारत में अभी कुल 2 करोड़ गायें बची है। कुल मूल प्रजातियों पर बात करूं तो हमारे देश में गायों की लगभग 350 प्रजातियां रही थी, जिनमें से आज लगभग 100 प्रजातियां बची है और शेष प्रजातियां बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गई है।
मूल प्रजातियों की संख्या अभी 2 करोड़ है, यानी प्रत्येक 65 व्यक्ति पर एक गाय बची है। और उसी हिसाब से अगर हम अपने भारत की आर्थिक ताकत अगर प्रबात करें तो आज $1 खरीदने में हमें 65 रुपये देने पड़ते हैं, यानी हमारी गायों की जनसंख्या 60 गुना गिरी है। उसी हिसाब से रुपए की ताकत भी 60 गुना गिरी है। यह आंकड़ा कहता है कि जैसे जैसे भारत में गायों की संख्या गिरी है वैसे वैसे रुपए की ताकत भी गिरी है, आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है। जैसे जैसे पशुधन से कमजोर हुआ यह भारत वैसे वैसे आर्थिक रूप से भी यह कमजोर हुआ है भारत। हमारी गायों का संबंध केवल अर्थ से नहीं है और केवल चिकित्सा से नहीं है, बल्कि मनुष्य जीवन के सभी अंगों से हमारी गौ माताओं का संबंध है। इस बात को आज के विज्ञान की दृष्टि से सत्यापित करने के लिए हमने 3 साल पहले भारत के कई राज्यों के कई क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण का काम किया, जिसमें से मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और झारखंड के कुछ हिस्से हैं। मैंने उन हिस्सों को सर्वेक्षण में लिया जिन हिस्सों में भूगर्भ के नीचे जल बहुत नीचे चला गया था या जहां अक्सर अकाल पड़ता है। महाराष्ट्र और झारखंड के उस हिस्सों में हमने पता किया कि पिछले 30 साल पहले उन गांवों में भूगर्भ के नीचे जल की क्या स्थिति थी और उन गांवों में हमारी गौ माताओं की क्या संख्या थी। यह सर्वेक्षण 3 सालों में कई चरणों में पूरा हुआ। 30 साल पहले की स्थिति, 20 साल पहले की स्थिति, 10 साल पहले की स्थिति और वर्तमान की स्थिति। वर्तमान में कितनी गायें वहां पर बची है और भूमि के अंदर कितना नीचे जल गया है, इन दोनों आंकड़ाओं को इकट्ठा करने के बाद जब सम्मिलित रूप से हमने ग्राफ बनाया तब उसमें से जो विषय निकल करके आया कि जैसे जैसे हमारे उन क्षेत्रों में, हमारे देश के उन क्षेत्रों में गायों की संख्या गिरी है उसी गति से भूमि के अंदर नीचे जल भी गिरा है। यह सत्यापित करता है, सांख्यिकी का यह आंकड़ा सत्यापित करता है कि हमारी गैया का संबंध भूगर्भ जल के साथ है। जिस गति से गाय की संख्या गिरी कम हुई उसी गति से भूमि के अंदर जल भी नीचे गया और आज उन क्षेत्रों में भूगर्भ में जल की स्थिति लगभग 150 से 200 फीट नीचे हैं और यही कारण है कि उन सारे भूभागों में बड़े वनस्पति नष्ट हो गए, बड़े पेड़ पौधे नहीं हैं। बरगद का वृक्ष जिसकी आयु 300 से 350 वर्ष तक होता है और अगर अच्छे से उसका पोषण हो तब 500 वर्ष भी होता है। आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवला का वृक्ष, नीम का वृक्ष, इस तरह से वट श्रृंखला के जितने भी वृक्ष हैं जिनकी आयु 150 से 200 साल और उससे भी अधिक होता है, ये सारे वृक्ष उस क्षेत्र से पूरी तरह से नष्ट हो गए क्योंकि इन वृक्षों के जड़ भूमि में 100 फीट या अधिक से अधिक 150 फीट तक नीचे जाते हैं। लेकिन भूमि का जल अगर 150 फीट से नीचे चले जाए तब ये पेड़ अपना पोषण खुद नहीं कर पाते और लगातार अगर 3 साल तक बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए, तब यह वृक्ष सूख जाते हैं, ये समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। और यही महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हुआ और झारखंड के कई हिस्सों में हुआ। इस कारण से उन क्षेत्रों का जब हमने सर्वेक्षण किया तब पता चला कि कभी अतीत में ये क्षेत्र हरे भरे थे क्योंकि उन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में 3000 से ज़्यादा गौ माताएँ रहती थी, लेकिन आज उन गौ माताओं की संख्या घटकर केवल 10 रह गई है। और यही कारण है कि ये सारे क्षेत्र जो है प्रतिवर्ष सूखे की मार झेलते हैं, वहाँ वर्षा
कम होती है, वहाँ वनस्पतियाँ सूख गई है और वह अब निर्जन है। गाय उसका संबंध भूमि में जल के साथ, इसका आभास मुझे तब हुआ जब मैं एक बार पंजाब गया और वहाँ के कई मंदिरों में और कहीं कहीं तो गुरुद्वारों में गाय का एक चित्र मुझे देखने को मिला। आपके यहाँ गुजरात के मंदिरों में भी ऐसे बहुत सारे चित्र हैं जिनमें गाय के शरीर में 33 तरह के देवताओं के चित्र हैं और उन देवताओं के चित्र के पीछे एक जो कहानी है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देव होते हैं। इस कोटि का अर्थ हमारे भारत में कई स्थानों पर करोड़ से लगाया जाता है, लेकिन कोटि का अर्थ होता है उत्तम, उत्कृष्ट, संपूर्ण। उत्तम, संपूर्ण और उत्कृष्ट दर्जे के 33 देवता हमारी गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। उस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तब उस चित्र में हमारी गौ माता के पांव में, जिसे हम खुर भी कहते हैं, उस पांव में नदियों का चित्र मिलेगा, यानी जल देव का चित्र मिलेगा। अगर आप हरिद्वार चले जाएं तब हरिद्वार के मंदिरों में आपको जिस गौ माता का चित्र मिलेगा, उस चित्र में वहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला के चित्र मिलेंगे। वही चित्र अगर आप पंजाब में चले जाएं तो पंजाब की जो प्रमुख 5 नदियां हैं, झेलम, ब्यास, चनाव, रावी, इन नदियों के चित्र मिलेंगे। यही चित्र अगर आप मध्य भारत के कुछ मंदिरों में देखें अगर, तो मध्य भारत के मंदिरों के चित्र मिलेंगे। उत्तर प्रदेश अगर आप चले जाएं और वहाँ के मंदिरों में इसी गौ माता के चित्र देखें, तब वहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती और सरयू नदी का चित्र मिलता है। यही चित्र आपको दक्षिण भारत में भी देखने को मिलेगा और वहाँ की नदियों का चित्र मिलेगा। वहाँ के गांव गाय के पांव में कृष्णा, कावेरी, पंपा, चेयर, वेगवती, इन नदियों का चित्र मिलेगा। इस तरह से गाय के पांव में नदियों की विविधता का चित्र देखकर एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं न कहीं हमारी गैया का संबंध जो है वो भूगर्भ जल के साथ है। शायद यही कारण रहा हो कि हमारे ऋषियों ने हमारी गौ माता के पांव में नदियों का चित्र अंकित किया या वहां पर जल देवता का चित्र अंकित किया। और इसी विचार से सैकड़ों परीक्षण जब हमने करके देखे अपनी प्रयोगशाला में, तब उसमें से एक सफल प्रयोग हुआ और उस प्रयोग ने सत्यापित कर दिया कि भारत भूमि पर जहाँ जहाँ गाय का विचरण होता है, जहाँ जहाँ गाय विचरती है, वहाँ वहाँ भूगर्भ में जल बहुत ऊंचा रहता है या भूमि में कम दूरी पर जो है जल रहता है। जल को खींचने की अद्भुत शक्ति गौ माता की गव्यों में है। इस प्रयोग को मैं चाहता हूं कि आपके समक्ष में विस्तार रूप से रखूं, क्योंकि यह भी जो भारत का गुजरात भूभाग है, गुजरात के बहुत सारे ऐसे जिला प्रदेश हैं जहां भूगर्भ में जल बहुत नीचे है या मीठा जल नहीं है। गैया का गोबर और गैया का गौमूत्र, इसमें एक अद्भुत शक्ति है जल को खींचने की, जल को बांध कर रखने की। इस पर जो सैकड़ों परीक्षण हुए उसमें से एक परीक्षण ऐसा हुआ कि हमने गैया का गोबर और गौमूत्र दोनों को मिलाकर एक बार बनाया, जैसे कैंडल होता है, मोमबत्ती बोलते हैं आप, मोमबत्ती की तरह एक मोटा बार बनाया और उस बार को एक थाली में स्थापित किया सीधा वर्टिकल और उस थाली में पानी भर दिया। कुछ देर के बाद देखता हूँ कि थाली में पानी नहीं है, पानी सूख गया। यह पानी कहाँ गया? तो इस थाली के मध्य में जो खड़ा गोबर का जो डंडा है, उस डंडे ने पूरे पानी को सोख लिया और बिना किसी ऊर्जा के सहारे, बिना किसी पंप के सहारे, उस पानी को सोख कर ऊंचाई तक लेकर के गया। ऐसा अद्भुत प्रयोग हुआ। यानी गाय का गोबर और गौमूत्र ऐसा अद्भुत है कि हमारी गैया अगर दिन में, सुबह आप अपनी गैया को खोल दें,
या गौशाला के जितने भी भाई हैं गैया को जब खोल देते हैं सुबह चरने के लिए, और हमारी गैया जब चारागाह में चली जाती है चरने के लिए, तब आप वहाँ देखेंगे कि चारागाह में गैया घास चरते हुए गोबर और गौमूत्र दोनों प्रदान करती है। गोबर और गौमूत्र खेतों में सूख जाता है, गैया जंगलों में जाती है वहां भी गोबर और गौमूत्र करती है, चारागाह में जाए वहां भी गोबर और गौमूत्र करती है। वहां गैया द्वारा प्रदान किया गया गोबर और गौमूत्र धूप की तेज रोशनी से सूख जाता है। गौमूत्र सूखने के बाद वाष्पीकृत होकर मेघ में चला जाता है, बादलों में चला जाता है, लेकिन यह गोबर और गोबर में अवशोषित गौमूत्र उस भूमि में रह जाता है, और दो चार तीन महीने के बाद जब गर्मी समाप्त होती है और वर्षा के जब बूंद गिरते हैं, उस वर्षा के बूंद के साथ जल के साथ गोबर घुल जाता है, और गोबर घुलने के बाद मिट्टी में समाहित हो जाता है। कल्पना करो कि आपका कुछ भूभाग हो और उस भूभाग में जल भूगर्भ में बहुत नीचे हो, बहुत नीचे हो, न्यूट्रॉन का योग। आज तक शिक्षा माध्यमों में यही पढ़ाते आया जा रहा है कि इस विश्व का जो सबसे छोटा से छोटा कण है वह इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके मध्य में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, यानी विश्व का जो सबसे छोटा कण है वह न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। आज तक हम सभी और हमारे बच्चे इसी विज्ञान को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 5-6 साल पहले जब स्विट्जरलैंड की धरती पर एक विशेष प्रयोग किया गया और बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से इक्वलाइडर मशीन की सहायता से जब काम किया गया, तब वैज्ञानिकों ने कहा कि इस प्रोटॉन को भी तोड़ा जा सकता है, और उन्होंने प्रोटॉन को तोड़ दिया। प्रोटॉन को किस प्रकार तोड़ा गया, अगर इस पर थोड़ी सी सोच आपको बनानी है तो आप बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल सरलता से हम समझ सकते हैं। स्विट्जरलैंड की धरती पर 27 किलोमीटर की रेडियस में एक सुरंग बनाया गया, टनल बनाया गया, दो टनल बनाए गए 27 किलोमीटर की परिधि में और भूगर्भ में भूमि के अंदर, और उस सुरंग में हाइड्रोजन के एक एटम्स को लिया गया। हाइड्रोजन के एटम को ही क्यों लिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन हमारी सृष्टि में सबसे कम भार वाला अणु है, सबसे कम भार वाला, सबसे हल्का इस सृष्टि में अगर कुछ है तो वह हाइड्रोजन के कण हैं। इस कारण से हाइड्रोजन के कण चुने गए, लिए गए इस प्रयोग में। हाइड्रोजन का कण क्यों लिया गया, वैज्ञानिकों को ऐसी क्यों समझ में आई, यह भी भारत की ही धारणा है, क्योंकि गाय इस सृष्टि में सबसे शुद्ध हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है, देती है। तो हाइड्रोजन का कण अणु जो सबसे सूक्ष्म है उसके अणुओं को तोड़ा गया, और तोड़कर उसमें से प्रोटॉन्स को अलग किया गया, और इस प्रोटॉन्स को उस 27 किलोमीटर के रेडियस में बड़ी तेज गति के साथ इक्वलाइडर मशीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा चुंबकीय मशीन है, उस चुंबकीय मशीन के माध्यम से प्रोटॉन्स को दौड़ाया गया बहुत तेजी के साथ। दौड़ाते दौड़ाते उसकी जो गति है, सूर्य की किरणों से निकलने वाली जो प्रकाश ऊर्जा है उस गति के मुकाबले 99.9% गति उस प्रोटॉन्स को दी गई, मतलब लगभग सूर्य के प्रकाश की गति के बराबर, लगभग उस गति के बराबर इस सृष्टि में कभी भी किसी भी वस्तु के साथ, अणुओं के साथ गति नहीं दी जा सकती। इसलिए 99.9% प्रकाश की जो किरणें हैं उन किरणों के गति के बराबर, मतलब इक्विवेलेंट टू लाइट स्पीड, जब उस प्रोटॉन्स को दौड़ाया गया उस सुरंग के अंदर इक्वलाइडर बड़े बड़े चुंबकीय मशीनों के द्वारा, दौड़ाते दौड़ाते उनमें से कुछ प्रोटॉन्स को लेकर दूसरे टनल में डाला गया।
एक टैनल में, एक सुरंग में, पृथ्वी जिस तरफ से घूमती है, पृथ्वी जैसे घूमती है सुई के कांटे की तरह उस दिशा में, और दूसरे सुरंग में उसके ठीक विपरीत दिशा में। और जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरणों की गति के बराबर उस प्रोटॉन्स की गति हुई, एक चैनल से प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स को निकालकर और दूसरे चैनल में दौड़ते हुए प्रोटॉन्स के साथ टकरा दिया गया, इट्स बम्बार्डमेंट। और इस बम्बार्डमेंट के कारण प्रोटॉन टूटकर बिखर गया, इस प्रोटॉन के तीन टुकड़े हुए। जैसे ही दो प्रोटॉन आपस में टकराए इस गति के साथ, एक महाविस्फोट हुआ, और उस महाविस्फोट के कारण वह प्रोटॉन तीन टुकड़ों में बट गया। एक टुकड़ा जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर क्षण के 360वें हिस्से के बराबर प्रकाश की तरह चमका और ओझल हो गया। प्रोटॉन्स के जो दो टुकड़े निकले, इनका अपना शरीर था, इनकी अपनी आकृति थी, इनका अपना रंग रूप था। यह जो प्रकाश क्षण भर के लिए आया और चला गया, इसी को वैज्ञानिकों ने कहा कि यह प्रोटॉन के टूटने के कारण निकला हुआ ईश्वरीय कण है, इट्स गॉड पार्टिकल्स। और वैज्ञानिकों ने कहा कि मैंने आज ईश्वर का दर्शन कर लिया। जैसे ही वह गॉड पार्टिकल्स, ईश्वरीय कण, प्रोटॉन के टूटने के कारण निकल गया, उस प्रोटॉन में प्रलय आया और प्रोटॉन का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो गया। इस सृष्टि में लगे हुए जितने भी प्रोटॉन्स हैं, उस प्रोटॉन्स में एक प्रोटॉन प्रलय को पा गया, मोक्ष को पा गया, इस सृष्टि से उसका नाश हुआ। लेकिन बिखरने के बाद जो दो अलग अलग जो आकृतियां निकली, वैज्ञानिकों ने कहा कि इन दो आकृतियां इकट्ठी तब तक थी जब तक तीसरी आकृति, जिसको मनुष्य अपनी आंखों से देख नहीं सकता, जो ईश्वरीय कण के रूप में था, उसने बांध कर रखा था। यह सृष्टि बंधी हुई है इसलिए कि इस सृष्टि में ईश्वरीय कण है, इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर है, इसलिए इस सृष्टि का एक एक कण बंधा हुआ है। जिस दिन इस धरती के कण कण से ईश्वरीय रूप का गॉड पार्टिकल्स ओझल हो जाएगा, उस दिन यह धरती धूल की तरह बिखर जाएगा और महाप्रलय की घटना होगी। यहां तक तो उन्होंने कहा, लेकिन इसके आगे जो परिणाम निकाले गए, निकला, और इस बड़े प्रयोग को करने के पीछे जो उद्देश्य था, इस पर आज तक चुप्पी लोगों ने साध रखी है, सारे वैज्ञानिक मौन हैं। इसमें एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि यह जो कलयुग का पहला सबसे बड़ा परीक्षण हुआ, इस परीक्षण में दुनिया के 3000 एक्सपर्ट्स वैज्ञानिकों ने कई वर्षों तक मेहनत की, 15 वर्षों से ज्यादा समय तक दुनिया के उच्च कोटि के 3000 वैज्ञानिकों द्वारा किए गए पुरुषार्थ का यह परिणाम था। इसमें से एक जो सुखद बात है कि उस 3000 वैज्ञानिकों में 1000 वैज्ञानिक भारत के हैं, और उन्हीं वैज्ञानिकों के दबी हुई जुबान से मुझे ज्ञात हुआ कि यह जो बिग बैंग की थ्योरी का जो प्रयोग था, इसके पीछे चाहे कुछ भी उद्देश्य बताया जा रहा हो, लेकिन मूल उद्देश्य तो यह था कि भारत जो सदियों से कहते आ रहा है कि कण कण में ईश्वर है, इसे सत्यापित करने का प्रयोग था। और वैज्ञानिक सफल हुए इसको सत्यापित करने में कि भारत सतयुग के बाद से बिल्कुल ठीक कहता रहा है कि धरती के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। इस ईश्वर को उन्होंने देखा। लेकिन इस घटना को जब मैंने बारीकी से, गहराई से इसका अध्ययन किया
और कुछ वैज्ञानिकों से वार्तालाप किया जो इस प्रयोग में जुड़े हुए थे, तब मेरे मन में जो कल्पना उभर करके आई वह कुछ और थी। और अंत में जब पता किया तब मालूम चला कि बिल्कुल वह सत्य ही था। यह पूरा का पूरा जो प्रयोग है वह क्षीर सागर मंथन क्रिया पर ही आधारित था। क्षीर सागर मंथन क्रिया का जो एक वैज्ञानिक चित्र है, इस चित्र को आप यहां पर देख सकते हो। शतयुग काल से हम भारतवासियों के प्रत्येक घरों में यह मंथन की क्रिया होती आई है। हमारी गैया दूध देती है, उस दूध से हमारे ऋषियों ने दही बनाने की जो कला खोजी, हमारे देश की सभी माताएं अपने घरों में दूध से दही बनाने की क्रिया करती थी और इस दही को ब्रह्म मुहूर्त में उसी तरह मथा जाता था जैसे इक्वलाइडर मशीन में हाइड्रोजन के प्रोटॉन को दो विपरीत गतियों में दौड़ाया गया, बिल्कुल ठीक उसी तरह से। दही में जब मंथन की क्रिया होती है तब एक तरफ मथनी जो है सूर्य की गति की तरफ घूमता है और दूसरी बार वही मथनी उसके विपरीत क्रिया में घूमता है। दही जब एक बार क्लॉकवाइज और दूसरी बार जब एंटी क्लॉकवाइज घूमे तब दही के जो कण हैं वे आपस में टकरा जाते हैं और दही के कण जब तेज गति के साथ मथनी के तेज गति के साथ आपस में टकराते हैं तब दही के प्रोटॉन्स टूट जाते हैं और दही का प्रोटॉन्स का टूटना ही दही में छिपा हुआ जो अग्नि है वह मक्खन के रूप में बाहर निकलता है। तो यह जो मक्खन है यह एटॉमिक पावर है, इसमें एटॉमिक एनर्जी है और इसी मक्खन से जब हम पानी को निकाल देते हैं गर्म करके तब घृत बनता है जो साक्षात सूर्य नारायण के अंश हैं, यानी साक्षात सूर्य हैं। सूर्य हमारे समीप नहीं हो सकते क्योंकि उनमें तेज गर्मी है, हम उस गर्मी को झेल नहीं सकते, लेकिन यही सूरज हमारी गैया के माध्यम से सूर्य केतु के नाड़ी के माध्यम से होते हुए दूध के रूप में बाहर निकला और ऋषियों ने उस दूध से अग्नि की खोज की। और यह जो घृत है वह कुछ और नहीं इस सृष्टि का शुद्ध अमृत है। इस सृष्टि पर सुसुप्त अवस्था में विद्यमान सूर्य नारायण है। यह मैं किस आधार पर कहता हूं कि सूर्य की किरणों की जब हमने परीक्षा करके देखी तब पता चला कि सूर्य की किरणों में किरणें जो है वह अल्ट्रा वायलेट किरणें कहलाती है। इन किरणों में हमारे वेदों के अनुसार 9 तरह की ऊर्जाएं होती है और जब घी को दीपक के रूप में जलाया और उससे निकले हुए लौ और लौ से निकले हुए जो प्रकाश हैं, इस प्रकाश की जब जांच की हमने तब पता चला कि वह भी अल्ट्रा वायलेट किरणें ही हैं। जैसी सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें वैसे ही घी के दीपक की लौ से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल एक हैं, समरूप हैं। जैसी 9 ऊर्जा सूर्य की किरणों में वैसी ही 9 ऊर्जा घृत में। इस आधार पर जो है मेरी सोच बनी कि यह जो घृत है वह इस सृष्टि पर सुसुप्त अवस्था में विद्यमान एक सूक्ष्म सूर्य ही है, वे सूर्य नारायण ही हैं। और यही कारण है कि आप ऐसे घृत को अगर दीपक में डालकर जलाओ, उससे प्रकाश उत्पन्न करो, तब उस प्रकाश से हमारे वायुमंडल में जो कुछ भी वायु है, जो कुछ भी ऑक्साइड्स हैं, इनका बड़ी तेजी के साथ कन्वर्सन होता है और 10 मिलीग्राम घी जब दीपक में जलकर समाप्त होता है तब मुश्किल से 30 मिनट के अंदर आसपास के वायु में 1600 किलो ऑक्सीजन का कन्वर्सन होता है। 1600 केजी वायु का ऑक्सीजन में परिवर्तन होने की क्रिया होती है। एक बार बैठकर हमने गणित लगाया कि अगर 1600 किलो
हमारे घरों में एक दीपक के प्रज्वलित करने से ऑक्सीजन अगर मिलता हो, तब इस ऑक्सीजन को कितने लोग 24 घंटे में पीकर समाप्त कर सकते हैं। तब जो आंकड़ा आया कि 12 लोग अगर 24 घंटे तक शुद्ध ऑक्सीजन पीते रहें, 12 लोग अगर 24 घंटे तक शुद्ध ऑक्सीजन पीते रहें, तब बिल्कुल यह 1600 लीटर ऑक्सीजन ही लगता है। यानी हमारे घर में अगर एक ऐसे गाय के दूध से दही और दही से मक्खन बनकर अगर घृत बने और ऐसा घृत केवल 10 मिलीलीटर घी में दीपक के रूप में हमारे घरों में जले, तब हमारे घरों में शुद्ध ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहती और घर के 12 सदस्यों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। आज का जो भारत है यह एकल परिवार का भारत है। इसमें मुश्किल से 4 या 6 परिवार के सदस्य होते हैं। यानी एक घर में अगर दीपक चले तब 2 घर निरोगी हो सकता है। यानी 2 घर के लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। हम सभी देखो विज्ञान के छात्र हैं, भले ही यह विध्वंसकारी विज्ञान है, लेकिन इस विज्ञान ने भी बहुत सारे कुछ अच्छे गणित भी दिए हैं। तो आज का विध्वंसकारी विज्ञान कहता है कि हमें श्वास लेने के लिए एक ऐसे वायु की जरूरत है जिस वायु में 21% ऑक्सीजन हो। 21% ऑक्सीजन वाला वायु अगर हमारे शरीर को निरंतर अगर मिलता रहे तो हमारे शरीर में वायु से संबंधित कोई रोग नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारे शरीर की जो डिजाइनिंग की है, उस डिजाइनिंग में 21% ऑक्सीजन पीने लायक शरीर का अंग बनाया है। अगर हमारे फेफड़े को 21% ऑक्सीजन वाला वायु अगर मिलता रहे तब फेफड़ा और फेफड़ा से जुड़ा हुआ जितना भी श्वसन तंत्र है, श्वास लेने वाले जितने भी अंग हैं, इन सारे अंगों की बीमारी नहीं हो सकती। अगर आज की भाषा में कहूं तो कार्डियो से रिलेटेड कोई भी बीमारी, डिजीज नहीं हो सकता है। अब 21% ऑक्सीजन मिलता कहां है ये ढूंढो। 21% ऑक्सीजन हमारे देश के वायुमंडल में मिलना चाहिए था, लेकिन मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम जो वाहनों का प्रयोग करते हैं, हमारी सरकारें जिन उद्योगों को चलाने की अनुमति दे रखी है, इन उद्योगों के माध्यम से निकला हुआ जो प्रदूषित वायु है, मोटर वाहनों से जो निकला हुआ प्रदूषित वायु है और कई तरह के आधुनिक उपकरणों से जो निकला हुआ प्रदूषित वायु है, यह वायु के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का घनत्व दिनों दिन गिरता जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर कहूं तो आपके गुजरात के अहमदाबाद शहर में 21% ऑक्सीजन होना चाहिए था, लेकिन वहां ऑक्सीजन का घनत्व मुश्किल से 14 से 15% है। आपके इस मोरबी शहर में भी अधिक से अधिक अगर ऑक्सीजन का घनत्व होगा तो 15 से 16% होगा। और भारत के अगर बड़े बड़े महानगरों की बात करो आप, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसे शहरों में अगर ऑक्सीजन के घनत्व की बात करो तब बहुत ही खराब स्थिति है। इस शरीर को जहां 21% ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, वहीं इस शरीर को 11, 12 और अधिक से अधिक 13% ऑक्सीजन मिलता है। अब कल्पना करो कि आपके घर में कोई मोटर गाड़ी है जो पेट्रोल से चलने वाली है, उसमें अगर आप डीजल डालकर चलाओगे तब उस गाड़ी की क्या हालत होगी। या आपके घर में कोई डीजल वाली मोटर कार है और उसमें पेट्रोल या किरासन तेल डालकर चला दो तब उस गाड़ी की क्या हालत होगी। यह शरीर और शरीर के अंग भी इसी गाड़ी की तरह हैं। यह जो शरीर है वह 21% ऑक्सीजन पीने वाले वायु के अनुसार बना हुआ है, और इसमें आप 21% की जगह 14-15% ऑक्सीजन दो और वह भी 24 घंटे तक, तो इस इंजन का क्या हाल होगा, इसकी परिकल्पना तो कर सकते हो। यानी हम जो बीमार हो रहे हैं वह सहज है, जरूरी है, क्योंकि इस शरीर को जो चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं। तो शरीर तो बीमार पड़ेगा, इस शरीर को बीमारी से कोई नहीं रोक सकता है। यदि हम
कुछ हटकर करें, जैसे अपने घरों में, जिन घरों में हम 12 से 14 घंटे प्रतिदिन रहते हैं, अगर हम अपने घरों में गाय के दूध से दही बनाकर, दही को मथकर मक्खन बनाकर और उस मक्खन को तपाकर घी बनाकर, उस घृत को अगर दीपक में डालकर जलाएं, तब हमारे घर के चार दीवारी के अंदर, बाउंड्री के अंदर 1600 किलो ऑक्सीजन का रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और 24 घंटे भी अगर इस शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन अगर मिल जाए, 14 घंटे भी या 12 घंटे भी इस शरीर को अगर शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाए, यह शरीर कभी बीमार नहीं पड़ सकता। कम से कम श्वसन तंत्र का कोई रोग नहीं हो सकता, कार्डियो से संबंधित कोई भी समस्या इस शरीर में नहीं आ सकती। लेकिन दुख तब होता है जब हमारे देश में घी बनाने की कला को विकृत कर दी गई। आज भारत में घी नहीं बनता, घी के स्थान पर बटर ऑयल बनता है। इस खड़यंत्र को समझ लेना जरूरी है। हमारे शास्त्र कहते हैं, क्षीर सागर के मंथन में जब कामधेनु निकली और उसकी नाभि में जब अमृत की खोज की गई, तब वह जो प्रक्रिया हमारे वेदों में अंकित है, वेद कहते हैं कि अगर इस धरती पर घृत बनाना है, तब गैया के थन से दूध सूर्योदय से पहले निकालो, या शाम में जब गैया चारागाह से चरकर आती है और घर में जब आ जाती है, तब सूरज ढलने के बाद उनके थन से दूध निकालो। सूरज के उपस्थिति में गैया के थन से कभी दूध मत निकालो। ऐसा दूध जो सूर्य उदय से पहले निकला है और सूर्य अस्त के बाद निकला है, ऐसा दूध जब उसी गैया के गोबर के कंडे पर तपेगा, और कब तपेगा, रात्रि के प्रथम पहर में तपेगा। क्यों? क्योंकि जो दूध की जो तासीर है वो केवल 3 घंटे की होती है। 3 घंटे तक गैया के थन से दूध निकालने के बाद उस दूध का रूप परिवर्तन अगर आपने नहीं किया, तब 3 घंटे के बाद दूध की तासीर बदल जाती है, दूध दूध नहीं रहता, दूध अपना चरित्र बदल देता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गैया का दूध सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त से बाद निकालिए और उसको जितना शीघ्र हो, जल्दी हो, आप उसका रूप बदल दीजिए, यानी उसको गर्म कीजिए। और दूध को कितनी गर्मी चाहिए यह तो केवल उस गैया के गोबर को ही पता है, इसलिए गोबर के कंडे पर ही गर्म कीजिए। गोबर के कंडे को पता है कि इस दूध को कितनी गर्मी चाहिए, कितनी ताप चाहिए, ताकि दूध की तासीर ना बदले। इसलिए केवल उसी गाय के गोबर के कंडे पर आप उस गैया के दूध को गर्म करो। अगर प्रातः काल करना है तो सूर्य उदय के 2.5 घंटे के अंदर उस दूध को आप गोबर के कंडे पर तपा दो, उसका रूपांतरण हो गया। अब वह दूध 12 घंटे तक खराब नहीं होगा, उसकी तासीर नहीं बदलेगी। और शाम में जब गैया चर करके आती है चारागाह से, तब सूरज ढलने के बाद उस गैया के थन से दूध को निकालिए और फिर रात्रि के प्रथम पहर में, यानी सूर्य अस्त से 2.5 घंटे के अंदर ही उस दूध को गोबर के कंडे पे तपा दो। जब दूध अच्छी तरह से तप जाए, तब रात्रि के दूसरे प्रहर में, यानी सूर्य अस्त के 5 घंटे के अंदर उस दूध में जामुन डालिए, थोड़ी सी दही डालिए या थोड़ा छाछ डालिए। अगर ऐसी क्रिया हम करें, तब 2.5 घंटे के अंदर दूध का रूप बदल जाता है, दूध का कन्वर्सन दही के रूप में हो जाता है। केवल 2.5 घंटे का समय लगता है, यानी रात्रि का तीसरा प्रहर। रात्रि के तीसरे पहर में ऐसा दूध जमकर दही हो जाता है। जो दूध बिल्कुल जल की तरह दिखता था, अब जम करके दही बन गया है। और ऐसे दही को सूर्य उदय से 2.5 घंटा पहले से लेकर सूर्य उदय के बीच में, सनराइज से 2.5 आवर्स बिफोर,
का जो समय है यह ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। इस दौरान, इस 2.5 घंटे के दौरान कभी भी आप ऐसे दही में मंथन की क्रिया कीजिए, और मंथन की क्रिया ऐसे कीजिए ताकि दही में डूबा हुआ मथनी एक बार पृथ्वी के घूमने की गति में घूमे और दूसरी बार उसके उल्टे गति में घूमे। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गति से मथनी घूमेगी और तेज गति से घूमेगी तब दही के प्रोटॉन्स टूटेंगे, आपस में टकराकर टूटेंगे। दही के प्रोटॉन्स में वैसा ही बम्बार्डमेंट होगा जैसा बिग बैंग थ्योरी के प्रोटॉन में बम्बार्डमेंट हुआ था, और दही के प्रोटॉन में जब बम्बार्डमेंट की क्रिया होगी तो दही के प्रोटॉन्स टूटकर विखंडित हो जाएंगे, 3 टुकड़ों में बट जाएंगे। पहला जो टुकड़ा है वह ब्रह्म ऊर्जा है, ईश्वरीय कण है, ईश्वर है, और यही ईश्वर जो बिग बैंग थ्योरी में क्षण भर के लिए आया, 1 सेकंड के 360वें हिस्से के बराबर समय पर स्क्रीन, कंप्यूटर के स्क्रीन पर आया और ओझल हो गया। लेकिन दही के जब प्रोटॉन बम्बार्डमेंट के बाद टूटते हैं तब ओझल नहीं होते, बल्कि वह मक्खन के रूप में छाछ के ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं। यह जो मक्खन है यह इस सृष्टि का अद्भुत पदार्थ है जिसमें ब्रह्म ऊर्जा यानी ईश्वरीय कण ठोस अवस्था में रहते हैं। यह अद्भुत है, मक्खन इतना अद्भुत है जिसमें 2 विपरीत शक्तियां साथ साथ सहोदर भाई बहन की तरह रहते हैं। 2 विपरीत शक्तियां इस सृष्टि की, एक जल और दूसरा अग्नि। जल और अग्नि का मिलन कभी नहीं होता इस सृष्टि में। जल की प्रकृति कुछ और है, अग्नि की प्रकृति ठीक उसके विपरीत है। जल और अग्नि कभी भी एक जगह नहीं रह सकते, लेकिन ईश्वरीय कणों की ताकत के कारण जल और अग्नि दोनों एक साथ सहोदर भाई बहन की तरह मक्खन के अणुओं में छिपे होते हैं। इस मक्खन में छिपा हुआ जो जल है इसे आप धीमी आंच पर तपाकर जल को वाष्पीकृत कर उड़ा सकते हो। आप जब जल वाष्पीकृत कर उड़ जाएगा तब केवल अग्नि उसमें बचेगा, और उसी अग्नि का नाम है घृत, घी। तो घी बनाने की ऐसी अद्भुत कला क्रिया हमारे महर्षियों ने वैदिक काल में खोज कर निकाली। अगर इन्हीं क्रिया से हम आज इस कलयुग में अपने घरों में घी का निर्माण शुरू कर दें, और ऐसा घृत अगर हमारे घर में एक दीपक के रूप में जल जाए तब उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों को 21% ऑक्सीजन वाला वायु मिल जाता है, और उस घर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कार्डियो की बीमारी नहीं हो सकती, श्वसन तंत्र का रोग नहीं हो सकता, फेफड़े का रोग नहीं हो सकता, हृदय का रोग नहीं हो सकता, श्वसन तंत्र की नलियों का रोग नहीं हो सकता, इसके अलावा भी कई तरह के रोग नहीं होंगे। ऑक्सीजन की कमी ही ऐसा है जिसके कारण मनुष्य शरीर के लगभग सभी रोग होते हैं। जितने भी रोग हम मनुष्य के शरीर में होता है इन सभी में ऑक्सीजन की कमी की कहीं ना कहीं भूमिका रहती है। ऑक्सीजन डिफिशियंसी मनुष्य की सभी बीमारियों में होता है। दुनिया की कोई भी बीमारी आप ले लो, जब उसकी बारीक से जांच करेंगे हम तब पता चलता है कि ऑक्सीजन की कमी की भूमिका रही है। तो ऐसा घृत अगर हमारे घरों में जल जाए तब हमारा यह जो शरीर है ये अनगिनत बीमारियों से बच सकता है। ऐसी अद्भुत जो है वो कला हमारे ऋषियों ने वैदिक काल में ढूंढ कर निकाली थी, और उसी का जो है पुनः परीक्षण स्विट्जरलैंड की धरती पर बिग बैंग थ्योरी में किया गया, और कहा गया कि उन्होंने कहा कि हम लोग तो ईश्वरीय कण की खोज कर रहे हैं और यह कलयुग का पहला परीक्षण है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो हमारे भारत भूमि पर शतयुग में पहले ही हो चुका, और ईश्वर कणकण में विद्यमान है यह तो हम सतयुग से कहते आ रहे हैं। तो यह भारत के लिए गर्व का विषय है, हम भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, लेकिन इसे खुली कंठ से यूरोप के वैज्ञानिक नहीं कहते और कहेंगे भी नहीं,
क्योंकि अगर इस सत्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भारत की जो धारणा है कण कण में ईश्वर की, यह सत्य है, तो भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ जाएगा। इसके लिए यूरोप के वैज्ञानिक कभी भी खुली जुबान से इसको नहीं स्वीकारते, लेकिन इसमें से एक दूसरा जो वैज्ञानिक तथ्य सामने निकल कर आया है वह अद्भुत है। इतना अद्भुत है कि हम सभी भारतीयों का सीना फूल सकता है, हमारी गर्दन ऊंची हो सकती है, और वह है बिग बैंग थ्योरी में प्रोटॉन के विस्फोट से निकला हुआ वह दो आकृतियां जो गॉड पार्टिकल्स के दोनों तरफ थे। इसमें से एक है विष्णु ऊर्जा और दूसरा है शिव ऊर्जा, और यह धारणा सत्यापित करती है कि सृष्टि के कण कण में ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास है। यह पूरी की पूरी सृष्टि अगर निर्मित है अगर किन्हीं कणों से, तो उन्हीं कणों का नाम है ब्रह्मा विष्णु और महेश। और आप इस चित्र में देख सकते हो कि दही मंथन की क्रिया के बाद जो उसमें से निकला है वह मक्खन रूपी ब्रह्म ऊर्जा है, और उसके एक तरफ शिव ऊर्जा है और एक तरफ विष्णु ऊर्जा है। अब आने वाले दिनों में लगभग 20 से 30 साल लग सकते हैं, आने वाले दिनों में भौतिक विज्ञान का एक नया युग आने वाला है, और उस युग में वैज्ञानिक यही कहेंगे कि पूरी की पूरी दुनिया तीन तरह की ऊर्जाओं से संचालित है। उसमें से ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा का नाम नहीं होगा, नाम कुछ अंग्रेजी वाला होगा, नाम कुछ यूरोपियन भाषा वाला होगा, लेकिन वास्तविकता यही होगी कि हम भारतीयों की जो धारणा सतयुग से रही है कि इस सृष्टि के संचालन में तीन ऊर्जाएं लगी हुई है। ब्रह्म ऊर्जा जो निराकार है, जिसकी कोई आकृति नहीं होती, वह तो प्रकाश के एक पुंज की तरह है, और उस प्रकाश पुंज रूपी ऊर्जा के एक तरफ विष्णु ऊर्जा और दूसरे तरफ शिव ऊर्जा। ये तीन ऊर्जाओं की ही ताकत है कि पूरा का पूरा सृष्टि संचालित है। हमारे शरीर में भी यही तीन ऊर्जाएं हैं, ब्रह्म ऊर्जा, शिव ऊर्जा और विष्णु ऊर्जा। हमारी आंखों के सामने जितना कुछ दिखता है, सजीव या निर्जीव, उन सभी में यही तीन ऊर्जाएं हैं। हम जिस भोजन को करते हैं उस भोजन के अणुओं में भी यही तीन ऊर्जाएं हैं, ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परिकल्पना भारत के लोगों ने, हम लोगों ने देवताओं के रूप में जरूर किया है, लेकिन उसके मुख्य में जो विज्ञान है वह ऊर्जा का विज्ञान है। हमारे शरीर के अंदर की जो चेतना इस शरीर को जो चला रही है, इस शरीर से जो क्रियाएं करवा रही है, वह ऊर्जा अदृश्य है, वह ब्रह्म ऊर्जा है। इस शरीर को वायुमंडल के ताप से जो बचा रहा है, वायुमंडल में बहती हुई हवाओं के झोंकों से जो बचा रहा है, लहलहाते हुए धूप से इस शरीर को जो बचा रहा है, वह शिव ऊर्जा है। शिव ऊर्जा कुछ और नहीं बल्कि किसी भी एटम्स के बाहरी कक्षा में सतत घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन्स है, वही शिव ऊर्जा है। शिव कोई और नहीं, हर अणु के अंदर उसकी रक्षा करता हुआ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स और शिव में कोई भी अंतर नहीं है, नाम अलग अलग हैं। और जो यह शरीर है, बाहरी जो चमड़ी है, यह शिव है। यह चमड़ी ही है जो बाहर के अंतर को, बाहर के परिवर्तन को, परिवर्तन से इस शरीर को बचाता है, यह शिव है। और अंदर का जो शरीर है वह विष्णु है। विष्णु शरीर है, शिव शरीर का ऊपरी आवरण है, और इस ढांचे में जो अदृश्य है, जो इस शरीर में चेतना के रूप में है, जो चला रहा है, वह ब्रह्मा है, वह ब्रह्म है, निर्विकार है। उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई लंबाई नहीं है, उसकी कोई चौड़ाई नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है। इसलिए भारत में ब्रह्मा के मंदिर नहीं बने,
ब्रह्मा का तस्वीर नहीं बना, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनी, और बन भी कैसे सकती है, क्योंकि तो वह ऊर्जा रूपी प्रकाश का एक पुंज है, उसकी आकृति कैसे बन सकती है। हम भारतीयों की इतनी ऊंची समझ कि ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनाया, मंदिर बनाया तो भगवान विष्णु का बनाया। विष्णु कोई और नहीं, कोई देव नहीं, कोई भगवान नहीं, बल्कि इस सृष्टि का वह सूक्ष्मतम कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिससे यह शरीर का ढांचा बना है। इस शरीर का अणु अणु, इस शरीर की एक एक कोशिकाएं विष्णु है, और उस कोशिकाओं को वायुमंडल के परिवर्तन से बचाने वाला जो आवरण है वह इस शरीर का शिव है। यह शरीर भी इन्हीं तीन ऊर्जाओं से चलता है, ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा। आने वाला जो भौतिक विज्ञान है वह इन्हीं तीन ऊर्जाओं का विज्ञान होगा। आने वाले दिनों में फिर से यूरोप एक नई थेरेपी, एक नई थ्योरी दुनिया को देने वाला है, ऊर्जा विज्ञान का थ्योरी। और यूरोप के वैज्ञानिक अब बुलंद आवाज में कहेंगे कि इन तीन ऊर्जाओं की खोज यूरोप की धरती पर हुआ, स्विट्जरलैंड की धरती पर हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले भारत जाग जाए, उससे पहले भारत का बच्चा बच्चा इस सत्य को जान ले कि यह ब्रह्मा विष्णु और महेश से संचालित यह पूरी सृष्टि की थ्योरी कोई और नहीं, भारत भूमि ने सतयुग में दिया था। और जितना कुछ थ्योरी समीकरण हमारे ऋषियों के परीक्षण का है यह आज तक चोरी होते आया। यूरोप के सारे वैज्ञानिकों ने हमारे महर्षियों के समीकरण को चोरी किया, अनुवाद किया और पेटेंट राइट लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। आज का भारत और आज का युवा अब भारत के थ्योरी की चोरी नहीं होने देगा। इसलिए जो मेरी भावना है कि वह समय यूरोप का आए, उससे पहले भारत का बच्चा बच्चा ब्रह्मा विष्णु और महेश की इस आणविक ऊर्जा शक्ति को पहचान ले और इस थ्योरी की स्थापना उससे यूरोप से पहले इस धरती पर हो जाए। गैया का दूध, दही, मक्खन, उसमें मंथन, मक्खन का निकलना और उसमें से जल को वाष्पीकृत कर घी बनाना, ये पूरा जो विज्ञान है, प्रयोग है, यह सृष्टि का अद्भुत प्रयोग है। और इसी प्रयोग ने हमें बताया, इसी प्रयोग ने सतयुग में हमें समझाया कि यह पूरी की पूरी सृष्टि तीन ऊर्जाओं से संचालित है। मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों का शरीर, और हमारी आंखों के सामने जितने वनस्पति दिखते हैं उनका शरीर, यह सब कुछ ब्रह्मा विष्णु और महेश की कृपा है। यह प्रोट्रॉन जब टूटा टैनल में हाई स्पीड पर, तब उसमें से एक जो प्रकाश पुंज की तरह निकला और चला गया, ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म हमारे अंदर आत्मा के रूप में है। और जो आकृतियां दो निकल गई, जिसकी लंबाई और चौड़ाई थी, जो पिंड के रूप में था, उसमें से एक आकृति का जो रंग रूप था वह शिवलिंग की तरह था, और दूसरी आकृति का जो रंग रूप है विष्णु का सहस्त्र रूप है। यह जो विष्णु भगवान की मूर्ति और उसकी जो परिकल्पना शतयुग में जो बनी, यह कोरी नहीं है, बल्कि प्रोटॉन के टूटने के बाद जो सबसे सूक्ष्म कण है उसकी आकृति है। एक आकृति जो विष्णु के स्वरूप में है और दूसरी आकृति जो शिवलिंग के स्वरूप में है। इसीलिए सदियों से हम शिवलिंग की प्रार्थना करते आए हैं, उनकी याचना करते आए हैं, क्योंकि उन्हीं सूक्ष्म पिंडों से यह शरीर निर्मित है। शिवलिंग की पूजा करना यानी अपने शरीर में छुपे हुए शिव रूपी सूक्ष्म पिंडों की पूजा है। भगवान विष्णु की पूजा का तात्पर्य है कि हमारा शरीर जिन सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है, उन कोशिकाओं के प्रोटॉन के टूटने के बाद जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा, उस कण की पूजा करना है, याचना करना है। शिव कोई और नहीं, इस सृष्टि का स्मॉलेस्ट पार्टिकल
भगवान विष्णु कोई और नहीं, इस सृष्टि का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे सूक्ष्मतम कण, और ब्रह्म तो निराकार है। यहां पर जब यह विज्ञान उदित हुआ यूरोप में, तब इसमें से एक और गंभीर चीजें निकले और हम भारतवासी उसी गंभीर परिणाम के चपेट में आज पड़े हुए हैं। यूरोप जो समझता है कभी भी दुनिया को कहता नहीं, और यूरोप जो नहीं समझता है वही दुनिया को कहता है। इस सत्य को पहचानो। एक उदाहरण है आपके सामने। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि विश्व में एक जो सबसे बड़ा अंतरिक्ष विज्ञान पर काम करने वाला एजेंसी है नासा, उसकी कुछ बातें आपने समाचार पत्रों में पढ़ी होगी कि वह मंगल पर बसने की तैयारी कर रहा है। पढ़ा था आप लोगों ने 2-3 साल पहले कि मंगल पर बसने की तैयारी हो रही है। नासा जानता है कि मंगल हमारा बीता हुआ कल है। मंगल को जलाकर हमने राख किया है, मंगल के भूगर्व से सब कुछ लेकर के मंगल का नाश किया, और जब मंगल जो है अग्नि के चपेट में पड़कर जलकर राख होने की स्थिति में आ गया, तब हम सभी धरती पर आए हैं एक नए घर की खोज में। मंगल को जलाया है इसलिए धरती की खोज की है, और धरती पर हम बसे हैं और अब धरती को जलाने की क्रिया में लगे हुए हैं। धरती जलेगा तब फिर हम मंगल पर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जले हुए घर में वापस नहीं जाता। नासा की सोच शुक्र पर चल रही है कि पृथ्वी पर जब प्रलय आएगा, पृथ्वी जब नष्ट होगा, तब शुक्र ही रास्ता है। शुक्र के सिवाय इस सौर्यमंडल में और कोई रास्ता भी नहीं बचा है। हम जुपिटर से चलते हुए मंगल पर आए, मंगल से चलकर धरती पर आए, और धरती से अब शुक्र पर जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस सच को नासा कभी नहीं कहता। पिछले 6 महीने पहले वहां से ये बात लिख हुई और समाचार पत्रों में एक छोटा सा समाचार छपा था कि नासा की दृष्टि मंगल पर है, लेकिन वह बात नासा की दृष्टि शुक्र पर है लेकिन वह बात मंगल की करता है। यह यूरोप की जितनी भी एजेंसियां हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, ये सभी एक नंबर के झूठे और मक्कार हैं। ये सच कभी नहीं बोलते। यह जो ब्रह्मा विष्णु और महेश किसी भी वस्तु में समाहित होना, उस वस्तु का सबसे सूक्ष्मतम अंश होना, इसकी खोज तो बिग बैंग थ्योरी के पहले ही हो गई थी। लेकिन बिग बैंग थ्योरी में केवल इसको सत्यापित किया गया कि यह बिल्कुल सच है। जब यूरोप के कुछ कंपनियों को, निजी कंपनियों को यह मालूम हुआ कि मनुष्य शरीर में भी यह 3 ऊर्जाएं होती है और तीनों ऊर्जाओं का अलग अलग काम है। ब्रह्म ऊर्जा का काम है कि इस शरीर में चेतना को जगा कर रखे, इस शरीर को संवेदनशील बना करके रखे, बाहरी परिवर्तन को समझने की ताकत दे, कुछ सृष्टि के लिए अच्छा करना, कुछ नया करना, ऐसा चित्त प्रदान करे। यह इस शरीर के अंदर विद्यमान ब्रह्म ऊर्जा का कार्य है, चेतना को जगा कर रखना। इस शरीर के अंदर जो शिव ऊर्जा है उसका एक ही काम है, बाहरी परिवर्तन से इस शरीर को बचा कर रखना। शिव हमें बाहरी विपत्तियों से बचा कर रखने वाले देव या पार्टिकल्स हैं, और ये शरीर की आकृति बना रहे इस दिशा में विष्णु ऊर्जा का कार्य है। विष्णु ऊर्जा हमारे शरीर की आकृति को बचा कर रखते हैं। जैसे हमारा 2 हाथ है, पेट है, पीठ है, हाथ है, आंख है, नाक है, कान, ये जो पूरी की पूरी जो आकृति है, ढांचा है, यह ढांचा विष्णु पार्टिकल्स के कारण बचा हुआ है। जब यह यूरोप के कुछ निजी कंपनियों को यह विज्ञान हमारे वेद के समीकरणों से पता चला, तब उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया। प्रयोग ऐसा शुरू किया कि किसी भी अनाज से, खाने वाली वस्तु से अगर हम ब्रह्म ऊर्जा को निकाल दें, तब वह वस्तु कैसी हो।
कैसी हो जाती हो। अगर हम किसी अनाज से उसमें से शिव ऊर्जा को अगर हम निकाल दें तब उस अनाज का क्या स्वरूप बन सकता है। अगर किसी अनाज से अगर विष्णु तत्व को बाहर निकाल दें तब उस अनाज में कैसी विकृति आती है, इस पर अध्ययन का काम शुरू किया। और बिग बैंग थ्योरी से 5 साल पहले कंपनियों ने यह सत्यापित कर दिया कि अगर किसी भी खाने की वस्तु, चाहे अनाज हो, फल हो, फूल हो या सब्जियां हो, उनमें से अगर ब्रह्म ऊर्जा को अगर निकाल देते हो तब उस अनाज की चेतना मर जाती है। और ऐसा अनाज कोई व्यक्ति अगर लगातार 20 साल खा ले तब उसके शरीर से भी चेतना खत्म हो जाती है, क्योंकि इस शरीर को जो ब्रह्म ऊर्जा मिलती है, चेतना मिलती है, वो खाने की वस्तुओं के अंदर छिपे हुए ब्रह्म ऊर्जा से मिलता है। और ब्रह्म ऊर्जा विहीन अनाज, फल, फूल और सब्जियां अगर कोई व्यक्ति खा ले तब 20 साल में उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसके शरीर से, आत्मा से चेतना खत्म हो जाएगी। चेतना को अगर समझना है तो एक कड़वे उदाहरण के साथ समझ सकते हो। आप जैसे, बड़ा कड़वा उदाहरण है लेकिन पचा लेना इसको, आप सड़क पर जा रहे हो और कोई व्यक्ति अचानक आया और आपके गाल पर एक थप्पड़ मारा। यहां पर दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक व्यक्ति हो सकता है जो उलट के उसको दो थप्पड़ लगा दे, एक व्यक्ति हो सकता है चलता बनेगा। जिस व्यक्ति के गाल पर थप्पड़ लगी और उसने प्रतिक्रिया नहीं की, रिएक्शन नहीं किया, समझ लो उस व्यक्ति की चेतना मर गई है। उसे अगर कोई गुलाम बना ले वह गुलामी को सहज स्वीकार कर लेगा। अगर उसके जीवन से धन, अर्थ, ज्ञान सब कुछ कोई लूट ले वह कभी भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, वह रिएक्ट नहीं कर सकता। और जिस व्यक्ति ने एक थप्पड़ के बदले दो थप्पड़ जड़ दिया हो, समझ लो उस व्यक्ति के अंदर ब्रह्म ऊर्जा है, चेतना जागृत है। उसकी चेतना जरूर रिएक्ट करेगी, वह कभी भी गुलामी के बंधन में नहीं बंध सकता, वह कभी भी लूटा नहीं जा सकता है। तो अनाजों से चेतना ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा को निकालने का प्रयोग यूरोप के कुछ कंपनियों ने किया। उसमें से एक जो बड़ी कंपनी है उसका नाम है मॉन्सेंटो, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। इन कंपनियों का इतिहास अगर आप उलट करके देखो तो द्वितीय महायुद्ध में इन्हीं कंपनियों ने रासायनिक हथियार बनाए थे। रासायनिक हथियार बनाना और दुनिया के देशों में बेचना, सप्लाई करने का काम मॉन्सेंटो जैसी लगभग 15-16 कंपनियों ने किया था। और यही कंपनियां आज पूरे दुनिया में चेतना विहीन अनाज के बीज बेच रहे हैं। इसको आम बोलचाल की भाषा में हाइब्रिड अनाज कहते हैं। हाइब्रिड अनाज का अर्थ होता है चेतना विहीन अनाज, उसमें ब्रह्म ऊर्जा नहीं होता। यही कारण है कि चेतना विहीन हाइब्रिड अनाज कभी भी अंकुरित नहीं होते। अगर अंकुरित हो गए तब उसमें से पौधा नहीं बन सकता है। हाइब्रिड अनाज को खेतों में बो दो फिर से पौधा नहीं बन सकता है, बीज से बीज उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें से चेतना ऊर्जा को निकाल ली गई है, उसमें से ब्रह्म ऊर्जा को निकाल लिया गया है। और ब्रह्म ऊर्जा को निकाल कर ऐसे अनाज बेचने का जो षड्यंत्र पिछले 30 सालों से चल रहा है दुनिया में, उसके पीछे उन कंपनियों का एक ही स्वार्थ है कि दुनिया के लोगों की चेतना को मार दो तभी दुनिया को फिर से गुलाम बनाया जा सकता है। हाइब्रिड अनाज का सेवन करना यानी सहर्ष गुलामी को स्वीकार कर लेना है। अगर आप अपने बच्चे को 20 साल की अवस्था तक हाइब्रिड अनाज अगर खिला दो तब उसकी चेतना बिल्कुल मर जाएगी और वह कभी भी अपने स्वाभिमान के लिए रिएक्ट नहीं कर सकता, कभी भी अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा नहीं हो सकता। उसके साथ दुनिया की सरकारें और दुनिया की माफियाएं,
कुछ भी गलत कर ले, कुछ भी शोषण कर ले, उसकी जुबान कभी खुल नहीं सकती है। दुनिया को फिर से जो गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, वह इन्हीं हाइब्रिड अनाजों के माध्यम से चल रहा है। धीरे धीरे हमारे देश के बेईमान वैज्ञानिकों ने भारत के मूल अनाज और उसके बीजों को यूरोप और अमरीका में इन कंपनियों के हाथ से बेचा, और इन्हीं बेईमान वैज्ञानिकों ने प्रमोट किया हमारे देश में कि अच्छे फसल के लिए, हाई यील्डिंग के लिए हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किसान करें, और किसानों ने खुल करके किया। इस देश में जहां तक मेरी जानकारी है कि 1700 तरह के धान के पौधे हुआ करते थे, 1700 तरह के, जिसमें से हमारा जो तमिलनाडु है अकेले 1100 तरह के धान की प्रजातियां पैदा करने वाला राष्ट्र था। आज तमिलनाडु में आप अगर आप ढूंढ लो तो 11 प्रजातियां भी मुश्किल से मिल पाती है। इन सभी धान की प्रजातियों का हाइब्रिडिंग हो गया। गेहूं पहले से ही हाइब्रिड किया हुआ है, और जितने भी दालें थी सभी हाइब्रिड कर दी गई। जितना कुछ सब्जियों के पौधे थे हाइब्रिड कर दिया गया, फल हाइब्रिड कर दिए गए, फूल के पौधे हाइब्रिड कर दिए गए। अब जो कुछ भी बाजार में मिलता है वह हमें हाइब्रिड मिलता है, यानी ब्रह्म ऊर्जा विहीन चीजें मिलती है। उसमें ब्रह्म ऊर्जा बिल्कुल नहीं है, उसमें चेतना बिल्कुल नहीं है, और ऐसा अनाज खाकर यह भारत आज गुलामी के इतने बड़े शिकंजे में फंस गया है कि जिस राष्ट्र में जल पिलाना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का कर्म होता था, उस राष्ट्र में 80 रुपए लीटर पानी बोतलों में बंद कर बिक रहा है। 20 साल पहले का भारत, और उस भारत में अगर किसी व्यक्ति से अगर आप चर्चा कर लेते कि क्या इस देश में पानी बेची जा सकती है, पानी का विपणन हो सकता है इस देश में, तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति कह देगा पानी भगवान का फोकट का दिया हुआ चीज, ये कभी बेची जा सकती है क्या? लेकिन देखते देखते भारत इतना बदल गया कि अब 100-150 रुपया की मजदूरी करने वाला मजदूर भी बोतल बंद पानी खरीद कर पीता है, और उसे कभी भी दर्द नहीं होता कि वह भगवान के दिए हुए पानी को खरीद कर पी रहा है। यह गुलामी की निशानी का पहला नमूना है कि भगवान का दिया हुआ फोकट का जल इस देश में बिकने लग गया, जल के माध्यम से शोषण शुरू हुआ, लेकिन हमें थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई। और कल का भारत कैसा होगा? कल का भारत ऐसा होगा जिसमें ऑक्सीजन खरीद कर पीना पड़ेगा, और हमें थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हाइब्रिड अनाज फल फूल और सब्जियों को खाकर हमने चेतना को पहले ही मार लिया है। तो यह जो नई गुलामी आने वाली है, इस गुलामी से थोड़ा भी दर्द नहीं होगा। चीन के बीजिंग में ऑक्सीजन सिलेंडरों में भरकर खुले बाजार में बेचा जाने लगा, 3500 रुपए लीटर। कल्पना करो, एक लीटर ऑक्सीजन पीने के लिए 3500 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे, और यह समय बहुत लंबा नहीं है। अधिक से अधिक बीजिंग से भारत पहुंचने में ऑक्सीजन के सिलेंडर को 3 साल लग सकते हैं, अधिक से अधिक 5 साल लग सकते हैं। 3 से 5 साल के बाद का भारत ऐसा भारत होगा जिसमें हम सभी भारतीयों को ऑक्सीजन खरीद कर पीना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक जो विज्ञान के विकास की जो रफ्तार है वो इतनी तेज हो जाएगी कि हमारे भारत के वायुमंडल में ऑक्सीजन का घनत्व 10% से नीचे गिर जाएगा। बीजिंग में यही हुआ। बीजिंग के वातावरण में जब 10% से नीचे ऑक्सीजन गिर गया, तब वहां की सरकारों ने जो है घोषित कर दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अगर जिंदगी बचानी है, निरोगी रहना है, रोगों से बचना है, तब ऑक्सीजन आप खरीद कर पीजिए। और कंपनियां इसी ताक में लगी हुई थी कि कब सरकार विवश होकर के ऑक्सीजन बेचने का जो है परमिशन दे दे, अनुमति दे दे, और उनकी तो चांदी हो गई। अब वो 3500 रुपए लीटर का ऑक्सीजन खुले बाजार में बेच रहे हैं। भारत के बाजारों में 10 साल पहले ऑक्सीजन पीने के पार्ले खोले गए, सरकार ने उसकी अनुमति दे दी। एक बार आप ऑक्सीजन पार्ले में ऑक्सीजन पीने चले जाओ तो लगभग यहां भी 3 से 3500 रुपए लगते हैं।
और भारत के जितने भी महानगर हैं या द्वितीय दर्जे के जितने भी महानगर हैं, सभी महानगर में ऑक्सीजन पीने के पार्ले खोले जा चुके हैं। अब केवल इस भारत को जरूरत है खुले बाजार में ऑक्सीजन का सिलेंडर लॉन्च कर देना और वह 3 से 5 साल के अंदर भारत में हो जाएगा और हमें कभी भी दर्द नहीं होगा, कभी भी आभास नहीं होगा कि भगवान का दिया हुआ फ्री का मुफ्त का ऑक्सीजन आज हम कंपनियों के माध्यम से खरीद रहे हैं, हमारी कमाई पानी खरीदने में और वायु खरीदने में जा रही है, इसका दर्द नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिड अनाज खिला करके चेतना को उन्होंने पहले ही मार दिया है। तो मुझे तो लगता है कि आज के भारत को जागने की जरूरत है, हमें जागना पड़ेगा और हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारे देश के वायु में 21% ना सही लेकिन 15-16-17% तो ऑक्सीजन बचा रहे, ताकि हम जो है बचे रहें, हमारे जीवन भर की जो कमाई है ये कंपनियां लूट कर ना ले जाए। और इसके लिए देखो एक ही रास्ता बचता है, केवल एक ही रास्ता बचता है और वह है गाय। अगर इस संकट से बचना है तब एक ही रास्ता है और वह रास्ता है गाय। गाय के गोबर का हमने रासायनिक विश्लेषण करके देखा, केमिकल एनालिसिस करके देखा उसका, तो मालूम चला कि गाय के गोबर में जो है 27% धरती का शुद्ध ऑक्सीजन है। इस धरती पर हिमालय की तराई में चले जाओ आप, जहां आपको लगता हो, हमें लगता है कि वहां प्रदूषण नहीं है, वह क्षेत्र प्रदूषण मुक्त है, वहां भी आज 21% ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन गाय जो कुछ भी खा ले, चाहे जिस प्रदूषण वाले वायुमंडल में रह ले, कुछ भी खा ले, मोरबी नगर के सड़कों पर घूमते हुए कूड़े कचरे को खा ले, लोगों के घर का जूठन ही वो गैया खा ले, लेकिन वह जब इन सबको अपने शरीर के अंदर पेट में जब सौर्य मंडल की सभी ग्रहों की ऊर्जा के साथ क्रियाएं करके और गोबर के रूप में जब बाहर निकालती है, तब उसमें 27% ऑक्सीजन होता है। ये वैज्ञानिकों की कल्पना से बाहर है, वैज्ञानिकों को एक बार भरोसा ही नहीं हुआ कि गाय का गोबर इतना शुद्ध ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन बार बार जब उन्होंने केमिकल एनालिसिस करके देखा और भिन्न भिन्न प्रजाति की गायों का गोबर का जब हमने केमिकल एनालिसिस करवाया तो सब में लगभग एक जैसा 23% से लेकर के 27% का हिसाब ही निकला उसमें। तब हमारे दक्षिण भारत के जो प्रबुद्ध वैज्ञानिक हैं, जो हमारे अभियान में जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने माना कि गाय सच में अद्भुत प्राणी है सृष्टि की, चाहे वह दिल्ली की गलियों में जूठन खाने वाली गाय हो जहां 11-12% ऑक्सीजन है, चाहे आपके मोरबी नगर में हो जहां 17-18% ऑक्सीजन हो सकता है या शायद 15-16% हो सकता है, यहां की गलियों में घूमने वाली कूड़ा कचरा और प्लास्टिक खाने वाली भी गाय है, उसका भी गोबर लेकर के आप केमिकल एनालिसिस करके देख लो, वही 23 से 27% ऑक्सीजन उसके गोबर में मिलेगा। और इतना ज्यादा ऑक्सीजन जब इस धरती की मिट्टी में मिलता है, समझ लो मिट्टी की शुद्धता कितनी तेजी से बढ़ती होगी। और यह बात यहीं पर समाप्त नहीं होती, जब इस परीक्षण को हमने आगे बढ़ाया तब तो आधुनिक विज्ञान की कमर ही टूट गई। आधुनिक विज्ञान का एक सूत्र है, एक फार्मूला है, आपने भी पढ़ा होगा, प्रोसेस लॉस का फार्मूला। आप बाजार से 1 किलो गेहूं खरीद कर लाती हो और उसे जाती हो आटा बनवाने के लिए, जब आटा बनता है तब 1 किलो आटा नहीं बनता, 990 ग्राम हो सकता है, 980 ग्राम हो सकता है, 1 किलो गेहूं के दाने से 1 किलो आटा नहीं बन सकता। यही आधुनिक विज्ञान की सोच है, आधुनिक विज्ञान का बेसिक प्रिंसिपल है प्रोसेस लॉस। किसी भी वस्तु का प्रोसेस करो आप तब उसमें कुछ लॉस होता है, कुछ नुकसान होता है, यह आधुनिक विज्ञान का बेसिक प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत की कमर तो गाय की गोबर से ही टूट जाता है। कैसे?
आप भी इस परीक्षण को कर सकते हो। गैया के कच्चे गोबर का केमिकल एनालिसिस करके देखो, उसमें 23 से 27% आपको ऑक्सीजन मिलेगा। और इसी गैया के गोबर को धूप में सुखा दो, कंडा बना दो, कंडा ही बोलते ना गुजराती में, छाण, हां, इसको धूप में सुखा करके बना दो और इसको कूट कर चूर्ण बना लो और इस चूर्ण का फिर केमिकल एनालिसिस करके देखो, उसमें 30% से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। कहां से आया, कहां से आया ऑक्सीजन इतना? पहले तो नहीं था गैया के कच्चे गोबर में, लेकिन वही जब धूप के प्रकाश में, धूप की किरणों से जब संवर्धित हो गया, तब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। और इस छाण को आप अग्नि को समर्पित कर दो, अग्नि में जलाकर कोयला बना दो आप, काला कोयला। छाण को जब आप अग्नि में जलाओगे तो पहले जो रूप परिवर्तन होगा वह कोयले के रूप में होगा, बिल्कुल काला, दिखने में 100% कार्बन जैसा लगेगा। इस कार्बन रूपी कोयले का केमिकल एनालिसिस करके देखो, 33% ऑक्सीजन छुपा हुआ मिलेगा। ये 3% ऑक्सीजन बढ़ गया कहां से? आज तक वैज्ञानिकों को यह समझ में नहीं आया, मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि अग्नि में छाण को डालने के बाद जब वह कार्बन रूपी काला हो जाता है तब उसमें ऑक्सीजन बढ़ता कहां से। और उसको फिर से पूरी तरह आप जला दो और जला करके ऐसा भस्म बना दो आप, राख, क्या बोलते हैं आप गुजराती में, राख, हां, ऐसा राख बना दो आप। विज्ञान क्या कहता है कि किसी वस्तु का समूल नष्ट करना हो, किसी वस्तु को अगर पूरी तरह से नष्ट करना हो तो अग्नि में जलाकर राख कर दो। छाण को अग्नि में जलाकर राख करके इसका केमिकल एनालिसिस करके देखो, वैज्ञानिकों का माथा ठनक गया जब इसमें 46.6% ऑक्सीजन निकला, 46.6% ऑक्सीजन है इस छाण में, हाँ। और इसको फिर से जलाया हमने, दोबारा इसको जलाया, तिबारा जलाया, अंत में 60% ऑक्सीजन निकला। यानी गाय के गोबर को जितना बार हमने प्रोसेस किया, किसी भी समय प्रोसेस लॉस नहीं हुआ। जबकि विज्ञान कहता है, मॉडर्न साइंस कहता है कि किसी भी वस्तु में प्रोसेस करो प्रोसेस लॉस होता है, लेकिन गाय का, किसी भी गव्य का प्रोसेस कर दो, कभी भी प्रोसेस लॉस नहीं होता, प्रोसेस में उसकी गुणवत्ता इंक्रीज होती है। मॉडर्न साइंस का बेसिक प्रिंसिपल यही टूटकर बिखर जाता है। कैसा यह मॉडर्न साइंस है, कैसे इसके थ्योरी है, ये जो गाय के गोबर के सामने नहीं टिक पाता, गैया के दूध के सामने नहीं टिक पाता और गैया के मूत्र के सामने नहीं टिक पाता। यह जो छाण है ना और उससे बना हुआ भस्म, इसमें केवल ऑक्सीजन नहीं है बल्कि इस शरीर की जरूरत वाला 22 मिनरल्स हैं, 22 तरह के पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर की जरूरत है। इसमें 13% सिलिकॉन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें फास्फोरस है, इसमें रुबिडियम है, ऐसे ऐसे 22 तरह के मिनरल्स हैं इसमें जो मनुष्य के शरीर की वास्तविक जरूरत है। हमारे शरीर की जरूरत ना हो ऐसा एक भी मिनरल्स इसमें नहीं है, एक भी ऐसा इसमें एलिमेंट्स नहीं है। तो अगर इस भारत को ऑक्सीजन रूपी षड्यंत्र से अगर बचाना है तो मैं निवेदन कर रहा हूं घूम घूम करके पूरे भारत के लोगों को कि अपनी गैया को बचा लो। अपनी गैया को अगर बचाओगे तब इस धरती पर कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आने वाली है। जैसी स्थिति चीन के बीजिंग में हो गई है, भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी। लेकिन अगर गैया समूल नष्ट हो गई तो समझ लो कमाई का पूरा हिस्सा पानी खरीदने में और वायु खरीदने में लग जाएगा।
जल और वायु से उत्पन्न शरीर के रोगों की चिकित्सा करने में पूरा का पूरा धन लग जाएगा। 30 साल तक पढ़ो और 20 साल तक कमाओ और 10 साल में सब हॉस्पिटल को लुटा दो। 60 साल की यही जिंदगी होगी। हाँ, 30 साल की पढ़ाई है हमारी। कुल मिलाकर के कलयुग के दूसरे चरण में 60 साल का उम्र है। 60 साल से अधिक अगर कोई जी रहा हो, समझ लो वो बोनस की जिंदगी जी रहा है। 60 साल से ज्यादा उम्र तो बची नहीं है। और इसमें जो आज पढ़ाई है मैकॉले एजुकेशन में, वह 30 साल की पढ़ाई है। यानी 30 साल तक खेत में बीज बो, हाँ 20 साल तक फसल उगाओ और 10 साल में काटकर हॉस्पिटल को दे दो। आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमारे बाप दादाओं ने इतना अर्जित किया है कि आज भी इस देश में 5-6 करोड़ परिवार तो ऐसे हैं जो बाप दादे की जो जमा पूंजी है, कमाई है, उसी पर जिंदगी निकाल रहे हैं। यह भारत देश तो अद्भुत ऐसा ही था कि एक पीढ़ी कमाती थी और 7 पीढ़ी बैठ कर खाती थी। लेकिन आज का जो भारत है, इसमें जो पीढ़ी कमाती है वह पीढ़ी खुद अपना खर्चा नहीं चला पाती है। बाप दादों का अर्जित मकान और संपत्ति बीमारियों के इलाज में बिक जाता है। और देखो, ये मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं। हाँ, भारत सरकार का जो पिछले साल का जो प्रतिवेदन है, पत्र है, उसको पढ़ करके देखो आप। सरकारें ही, हमारी सरकारें ही कह रही है कि भारत में प्रति वर्ष 2.5 लाख से 3 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उन परिवारों में आमदनी से ज्यादा चिकित्सा पर खर्च हो रहा है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। और भारत सरकार इसीलिए चिंतित है कि प्रति वर्ष इस देश में 3 लाख परिवार गरीब हो जा रहे हैं। और गरीबी की परिभाषा क्या तय की है पिछली सरकारों ने, कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 50 पैसा भी खर्च ना कर सके वह इस देश का गरीब व्यक्ति है। तो आप समझ लो गरीबी इस देश के लिए कितना बड़ा कोड़ है। और प्रति वर्ष 3 लाख परिवार, एक दो नहीं, 3 लाख परिवारों की स्थिति ऐसी हो रही है कि वे प्रतिदिन 50 पैसा भी खर्च करने लायक नहीं है, क्योंकि उनके घर पर, उनके शरीर पर, उनके परिवार के सदस्यों पर चिकित्सा का खर्च इतना हुआ कि उनकी जमा पूंजी बिक गई, उनके बाप दादों की मकान बिक गई, उन घर की माताओं के गहने बिक गए और अब कुछ नहीं बचा। ऐसी स्थिति तो भारत देश की पिछले 10-12 वर्षों से चल रही है और आज भी भारत देश की स्थिति ऐसी ही है। अगर इस देखो संकट से निकलना है, और अगर आप अगर परिकल्पना करो, कल्पना करो मन में कि कम से कम मेरा परिवार ऐसी स्थिति में ना पहुंचे, तो एक ही रास्ता है, गैया का सानिध्य कर लो। गैया को घर पर लेकर के आ जाओ। देखो, ये घाटे का सौदा नहीं है। आज का जो युग है ना, वो अर्थशास्त्र का युग है। इसमें जो कुछ भी हमारे जीवन की गतिविधियां हैं, इन सभी को अर्थ से जोड़कर देखते हैं कि इस काम को करने से कितना फायदा मिलेगा। मिलेगा तो करो, ना मिलेगा तो ना करो। तो मैं तो कहता हूं कि गैया को इस फायदे से, हानि और लाभ की दृष्टि से ही एक बार देख लो। ये कभी भी घाटे का सौदा नहीं होने देगी। आपके घर का, आपके घर के बच्चों पर होने वाले शिक्षा के खर्च को बचा सकती है। ये गैया आपके परिवार के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे को बचा सकती है। आपके घर पर खर्च होने वाले बहुत सारे अनगिनत ऐसे जो खर्चे हैं, छोटे छोटे चिल्लर खर्चे, इन सभी से बचा सकती है ये गैया। इसलिए गैया का सानिध्य करो, वह इस सृष्टि का शुद्ध ऑक्सीजन देती है। अगर बच्चों को निरोगी रखना है, बच्चों का भविष्य अगर उज्जवल करना है, उसे अगर अच्छा ज्ञान देना है, तो यह जो क्षीर सागर का मंथन का जो चित्र आप देख रहे हो, इस क्रिया को अपने घर में प्रारंभ कर दो।
भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध और वह सूर्यास्त के बाद निकाला हुआ हो या सूर्योदय से पहले का निकाला हुआ हो और इसे गोबर के कंडे पर अपने घर की बालकोनी में गर्म कर लो और ऐसे दूध में आप जामुन डालो और सूरज उगने से 2.5 घंटा पहले का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय ऐसे दही में आप मंथन की क्रिया कर लो। मशीन ना मिले तो हाथ से मथनी से कर लो। इसमें से जो निकला हुआ जो ब्रह्म ऊर्जा है, मक्खन पुरानी बात हो गई, अब इस नए युग में मक्खन को ब्रह्म ऊर्जा हम कह सकते हैं। यह जो ब्रह्म ऊर्जा निकलता है, इस ब्रह्म ऊर्जा बच्चों को खिलाओ आप, उनकी चेतना कभी नहीं मर सकती, चाहे वो हाइब्रिड अनाज ही क्यों ना खाएं। ऐसा परीक्षण 1000 से ज्यादा बच्चों पर मैं पिछले 3 वर्षों से कर रहा हूं। भारत में 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस परीक्षण को हमने किया है, वह है महाराष्ट्र का सांगली और दिल्ली। ये 2 राज्यों में हमने ऐसा परीक्षण किया है। दिल्ली में 2500 परिवार ऐसे हमने चुने जिन परिवारों में भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध उनके घरों में सप्लाई करवाया। गैया के थन से जब दूध निकलता है उसके 3 घंटे के अंदर उनके घर पे दूध पहुंचवाया। सांगली में लगभग 500 ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों में पिछले 3 साल से गैया का धारोष्ण दूध, यानी गाय के थन से दूध जब निकले तो 3 घंटे के अंदर उनके घर पे पहुंचवाया। और प्रतिवर्ष ऐसे परिवारों पर सर्वेक्षण का काम हमारे पंचगव्य गुरुकुलम के गविसिद्ध डॉक्टर करते हैं और प्रतिवर्ष उसमें से हम कुछ निचोड़ निकालते हैं कि उन परिवारों में क्या क्या परिवर्तन आया। ऐसे कुछ परिवर्तन से आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जब सांगली के 500 परिवारों पर ऐसा परीक्षण हमने करके देखा तब उन घरों की जो स्थिति थी, पहले जर्सी हॉस्टियन फ्रीजियन या डेयरी के दूध पीने के समय जैसी स्थिति थी, इसका आंकड़ा हमने निकाला उसमें से कि परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चे कितने बीमार होते हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसी है, कितने विषय में फेल होते हैं, कितने विषय में अच्छे मार्क्स लेते हैं, बच्चों की गतिविधियां कैसी है, और जो उस घर में जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनमें चिकित्सा का खर्च कितना होता है, उन घरों में आपसी झगड़े कितने होते हैं, कलह कितना होता है, घर में मनमुटाव कितना होता है, पति और पत्नी के बीच 1 वर्ष में कितने बार झगड़े होते हैं, इन सारी सामाजिक स्थितियों का आंकड़ा हमने निकाला और निकालने के बाद उन घरों में देसी गाय का धारोष्ण दूध सप्लाई कराया। 1 साल के बाद फिर हमारे गविसिद्धर वहां पर गए और उन घरों से इन आंकड़े को फिर से संग्रहित किया कि 1 साल के बाद उन घरों की कैसी स्थिति हुई और उन लोगों ने दूध को किस तरह से अपने काम में लिया। क्या दूध को गर्म किया और पी गए, या दूध से दही बनाकर खाए, या दही को मत करके छाछ पिया, बच्चों को दही खिलाया या मक्खन खिलाया, घी बनाया या नहीं बनाया, घी बनाया इसका क्या उपयोग किया। ये सारे आंकड़े जब इकट्ठे किए तब उसमें से निचोड़ आया कि 1 वर्ष तक जिन परिवारों में हमने धारोष्ण दूध सप्लाई करवाई थी उन परिवारों में आपसी मनमुटाव पूरी तरह से बंद हो गया, आपसी झगड़े खत्म हो गए, पति और पत्नी के बीच जो बार बार खुन्नस होती थी यह खुन्नस सदा के लिए मिट गया। दूसरे साल जब हमने आंकड़ा निकलवाया तब उसमें से निकल करके आया कि बच्चों पर इसका बहुत ही अद्भुत परिणाम आया। बच्चों पर होने वाला जो चिकित्सा रूपी खर्च था यह पूरी तरह से खत्म हो गया। अब बच्चे बीमार नहीं पड़ते। वर्षा ऋतु आती है, वर्षा में बच्चे अच्छे से भींगते हैं, खेलते हैं, लेकिन उन्हें कभी सर्दी और जुकाम नहीं होता है। बच्चे ग्रीष्म ऋतु में खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, धूप में घूमते हैं, लेकिन कभी भी उनको बुखार या लू नहीं लगती है। बच्चों का जो स्कूल का जो रिजल्ट है उसमें जो बच्चे 2 या 3 सब्जेक्ट में पहले फेल करते थे वे अब फेल नहीं करते हैं।
तीसरा साल जब फिर आंकड़ा हमने निकलवाया पिछले साल, तब उसमें से तो बहुत ही अच्छा परिणाम आया। परिणाम ऐसा आया कि बच्चों की याददाश्त शक्ति बहुत बढ़ गई। बच्चे जो पहले 3 से 4 घंटे तक घर में पढ़ते थे, अब मुश्किल से आधा घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा में डिस्टिंक्शन मार्क्स आता है। एक बार बच्चे जिस विषय को पढ़ लेते हैं, दोबारा उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस पाठ को याद करने में कई हफ्ते बच्चों को लगते थे, अब वह पाठ 2-3 बार के अभ्यास में उनको पता चल जाता है, याद हो जाता है। बच्चों पर इतना अद्भुत इसका परिणाम आया, और बड़ों पर जो वृद्ध घर में थे, उन्हें जो बार बार घुटने का दर्द है, बार बार सर्दी हो जाना है, कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, अपच है, यह तो पूरी तरह से खत्म हो गया। और पूरे परिवार में जो औषधीय खर्च है, मेडिकल एक्सपेंडिचर 3 साल में 0 हो गया, 0। दिल्ली में भी अभी पिछले सालों से ऐसा परीक्षण का काम चल रहा है, और इस साल गुजरात के द्वारिका नगर में पंचगव्य मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो होना है 19, 20 और 21 नवंबर को, उस नवंबर में दिल्ली में किए गए 250 परिवारों पर जो हमारा शोध चल रहा है, इसका परिणाम वहां घोषित किया जाएगा। अगर आप आओगे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, आपके लिए दरबार खुला है। पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान के किसी भी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जो है एंट्रेंस फ्री होता है, मतलब आप आइए। हम क्या तय करते हैं, हम कैसे विज्ञान पर बात करते हैं, हमारे गव्यसिद्धर डॉक्टरों की कैसी सोच होती है, इसे सुनने के लिए खुला प्लेटफॉर्म रहता है। दुनिया में कोई ऐसी थेरेपी नहीं है जो अपने मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आम लोगों के लिए खोल सके, बंद कमरे में होता है। भारत में जितनी भी थेरेपियां हैं, मेडिकल थेरेपियां हैं, सभी थेरेपियों के मेडिकल कॉन्फ्रेंस बंद कमरे में होता है, लेकिन पंचगव्य मेडिकल कॉन्फ्रेंस खुले प्लेटफॉर्म पर होता है, जहां आप सभी आमंत्रित हो। आप सभी देख सकते हो कि गैया के गोबर से क्या क्या कुछ पिछले वर्ष नया हुआ, हमने किन किन बीमारियों को कितने समय में जड़ मूल से नष्ट किया, बच्चों की मेधा शक्ति कितनी बढ़ गई, पारिवारिक कलह कितना मिट गया, ये सारा कुछ खुले प्लेटफॉर्म पर आप सुन सकते हो आप। और ये सारा कुछ जो है एक पुस्तक में प्रतिवर्ष छपता है, उस पुस्तक का नाम है गव्य सिद्ध। इस गव्य सिद्ध पुस्तक में पढ़ सकते हो आप। पिछले वर्ष यह मेडिकल कॉन्फ्रेंस राजस्थान के पुष्कर नगर में हमने किया, और वहां जो कुछ भी आया उसकी जो पुस्तक है, गव्य सिद्ध पुस्तक, वह आपको यहाँ पर स्टॉल पर मिल सकता है। आप उस तक पुस्तक को लेकर के देख सकते हो कि पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान ने पिछले वर्ष क्या क्या काम किए, किन किन बीमारियों पर काम किया, और जितनी भी जटिल बीमारियां थी, जैसे सिकल सेल, थैलेसीमिया, जैसे गर्भधारण की समस्या, नैसर्गिक प्रसव की समस्या, इन सभी समस्याओं पर जो परिणाम आया, ये सारे परिणाम आपको उसमें मिलेंगे। गाय के गोबर का केमिकल एनालिसिस, उसकी रिपोर्ट आपको मिलेगी, और दूसरे गव्यों की भी केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट उसमें से मिलेगी। आप अगर विस्तार से इस विषय को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तब आप हमारा मेडिकल बुलेटिन भी लेकर के आप पढ़ सकते हो। मेडिकल बुलेटिन की जो भाषा है वह हिंदी भाषा होती है, अगर हिंदी भाषा की समझ है तो आप उसे निश्चित रूप से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो देखो यह जो गाय है कितनी अद्भुत है, और इसमें सृष्टि का कितना बड़ा विज्ञान समाहित है। गैया को हम भूल गए क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि यह गैया बेकार की है, इससे तो कृषि कर्म भी नहीं होता है, और उन्होंने हमारे किसानों को ट्रैक्टर हाथ में थमा दिया। गाय के गोबर और गोमूत्र से अच्छी खेती नहीं होती है, इसके लिए उन्होंने जो है हाइब्रिड अनाज दे दिए और यूरिया और डीएपी दे दिया। अगर आप में से कुछ भाई या बहन अगर कृषि कर्म से जुड़े हो या ना भी आप जुड़े हो, तो एक छोटा सा प्रयोग आप अपने जीवन में करके देखना। चाहो तो कल आप अपने घर पर भी ऐसा प्रयोग कर सकते हो। बाजार से थोड़ा यूरिया लेकर के आ जाओ, वही यूरिया जो किसान अपने खेतों में डालते हैं, और इस यूरिया में थोड़ा पानी डाल करके उसका एक लड्डू जैसा बना लेना, और गैया के पास चले जाओ और गैया का गोबर लेकर के आ जाओ और उसका भी एक लड्डू बना लो।
फिर खेत में जाओ और वहां से थोड़ी मिट्टी लेकर के आ जाओ और मिट्टी का भी एक लड्डू बना लो, और फिर गाय का गोबर और मिट्टी दोनों को मिलाकर के एक लड्डू बना लो। इस तरह से चार पांच लड्डू जैसा बना लो आप, थोड़ा थोड़ा मिट्टी, और जब सूख जाए तब थोड़ा इन सभी लड्डुओं में पानी डालो आप, और सभी में एक एक बीज डालना आप, किसी भी अनाज का बीज, गेहूं का बीज हो सकता है, चना का बीज हो सकता है, जौ का बीज हो सकता है, या किसी तरकारी का बीज हो सकता है, कोई भी एक बीज को डाल दो और थोड़ा थोड़ा पानी आप उसमें से प्रतिदिन डालना और देखना कि किस लड्डू में बीज अंकुरित हुआ और किस में पौधा बन सकता है। आप देखोगे कि यूरिया और डीएपी में डाला हुआ बीज दूसरे दिन ही जल करके खत्म हो जाता है, मिट्टी में डाला हुआ बीज फिर भी अंकुरित होता है, गोबर में डाला हुआ बीज संपूर्ण अंकुरित होता है, और गोबर और मिट्टी में डाला हुआ बीज भी संपूर्ण अंकुरित होता है। यूरिया के पास अगर ताकत होती पौधों में विकास करने की तो यूरिया के लड्डू पर डाला हुआ बीज अंकुरित होता, लेकिन यूरिया के लड्डू पर डाला हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता। यह छोटा सा प्रयोग है, आप करके देख सकते हो। इसका अर्थ है कि यूरिया और डीएपी खेतों में डालने से पैदावार नहीं बढ़ती, अगर बढ़ता तो यूरिया और डीएपी के बोरी के ऊपर बीज डाल दो तो उसमें से पौधा अंकुरित होता और फल भी लगते, लेकिन यूरिया और डीएपी पर गलती से कोई बीज गिर जाए तब वह समूल नष्ट हो जाता है, क्योंकि यूरिया और डीएपी तो जहर है, जहर पर कोई पौधा अंकुरित नहीं हो सकता है, वृक्ष बनना तो दूर की बात है। लेकिन जब किसान खेतों में डालते हैं यूरिया और डीएपी तब किसान कहते हैं कि फसल ज्यादा निकली, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि यूरिया और डीएपी एक नंबर का जहर है, और जब मिट्टी में हमारे किसान इस जहर को डालते हैं तब मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं की हत्या होती है, मिट्टी में जो छोटे छोटे जीवाणु हैं माइक्रोन्यूट्रिशन जो है सब खत्म हो जाता है, कार्बन में बदल जाता है या जीव मर जाता है, और जीव का शरीर मृत हो गया, उस मृत शरीर के सड़ने से जो पोषकता आती है मिट्टी में उस पोषकता पर पौधा लहलहाता है, यूरिया और डीएपी पर नहीं लहलहाता। यूरिया और डीएपी में कोई भी ताकत नहीं है, बल्कि वह दुनिया का एक बहुत बड़ा जहर है जो मिट्टी में जाकर मिट्टी की पोषकता को नष्ट कर देता है। मिट्टी में जितने जो छोटे छोटे जीवाणु हैं उन जीवाणुओं को मार देता है और मृत शरीर पर फसल उगती है, मृत शरीर पर उगा हुआ फसल हम खाते हैं, लाशों के सड़न पर उगा हुआ पौधा हमें खिलाया जाता है, लाशों पर सड़ा हुआ पौधा से निकला हुआ अनाज इस शरीर की चेतना को कैसे जगा देगा, इसका अनुमान तो आप लगा सकते हो। और यही कारण है कि देखो पिछले 68 वर्षों के भारत में एक भी वीर पुरुष इस धरती पर जन्म नहीं लिया, 1945 के पहले का भारत आप देखो, 1945 के पहले का भारत, कितने वीर पुरुष हुए इस धरती पर, अंग्रेजों के साथ 150 साल हमारे पूर्वजों ने लड़ा और 150 सालों में 7 लाख लोगों की बलिदानियां हुई, 7 लाख भारतीयों की बलिदानी के बाद अंग्रेज शरीर के साथ यहां से गए, उनकी आत्मा तो अभी भी इस धरती पर है, केवल शरीर के साथ गए, लेकिन 68 साल का जो यह काले अंग्रेजों का भारत है इस भारत में एक भी वीर पुरुष नहीं लिया। आज अगर हमारे देश की सरकार आह्वान कर दे कि इस धरती पर मरने के लिए वीरों की जरूरत है, उसकी वैकेंसियां अगर निकाल दे, मुझे नहीं लगता कि इस देश से कोई युवा मिल सकता है।
अगर ऐसा होता तो आज हमारी भारतीय सेना में सैनिकों की कमी ना होती। हमारे भारतीय सेना का आप प्रतिवेदन रिपोर्ट पढ़ करके देखो, भारतीय सेना में आज युवाओं की बहुत कमी है। सरकार बहुत तरह से विज्ञापन कर रही है कि अच्छे बुद्धिजीवी और साहसी युवा सीमा की रक्षा के लिए आए, आगे आए, लेकिन इस राष्ट्र में अब सैनिक भी नहीं मिल रहे हैं। यही वह भारत राष्ट्र है जहां पर जब एक सरदार भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी तब भारत के युवाओं ने हाथ उठा करके बुलंदी दी थी कि एक भगत को मारोगे इस धरती पर 100 भगत पैदा लेंगे। आज वही तो भारत धरती है, आज वही मिट्टी है जिस धरती पर भारत की सरकार सेना में युवाओं को आह्वान कर रही है और भारतीय सेना को समर्पित युवा नहीं मिल रहे हैं। क्या हुआ 68 सालों में इस राष्ट्र के साथ, क्या हुआ 68 सालों में इस भारत देश के साथ कि अब इस राष्ट्र पर मर मिटने वाले युवा नहीं मिलते? झांसी की रानी जैसी वीरांगनाएं इस धरती पर अब पैदा नहीं होती। हमारी माताओं की कुछियों में क्या हो गया, कौन सा परिवर्तन आया इस 68 साल में कि हमारी माताएं अब वीर पुत्र पैदा नहीं करते, हमारी माताएं वीरांगनाएं पैदा नहीं करती, वीर बेटियां नहीं पैदा होती इस देश में? कैसा भारत, क्या हुआ इस भारत के साथ 68 सालों में कि हमारी 30% बेटियां विवाह से पहले बांझ हो गई? क्या हुआ इस राष्ट्र के साथ 68 सालों में 25% युवा विवाह से पहले ही नपुंसकता को लेकर के जी रहे हैं? क्या हुआ इस राष्ट्र के साथ आज आधा राष्ट्र नपुंसक हो गया है, आज आधा राष्ट्र मां और पिता बनने लायक नहीं है, लेकिन कभी भी हमने इसके खिलाफ आंदोलन नहीं किया, कभी भी हमने इस देश का चक्का जाम नहीं किया और कभी भी हमने इस देश की सरकारों से नहीं पूछा कि भारत नपुंसकता के दौर में जा रहा है, हमारी बेटियां बांझ हो रही है, आप क्या कर रहे हो गद्दी पर बैठकर, कोई उपाय करते क्यों नहीं? एक ध्वनि नहीं निकलती इस राष्ट्र से। क्या हुआ इस राष्ट्र को, क्या हुआ इस राष्ट्र की माताओं को? जब इस पर आप मंथन करोगे गहराई के साथ, एक ही उत्तर मिलेगा कि हमने इस राष्ट्र से गैया को खोया है। 1945 में जब अंग्रेज जाने के पहले जब भारत का सर्वेक्षण अंग्रेजों ने किया और जब गजटियार लिखा उन्होंने कि इस राष्ट्र को हम समर्पित करके जा रहे हैं काले अंग्रेजों को, अपने प्रतिनिधियों को, तब उनके हाथ में कैसा भारत दे करके जा रहे हैं उस गजटियार को पढ़ करके देखो। उस समय हमारे देश में लगभग 32 करोड़ गाय थी और 34,000 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, लगभग एक व्यक्ति पर एक गाय वाला भारत था, एक व्यक्ति पर एक गाय वाला भारत था। इसलिए इस राष्ट्र को जब सरदार भगत सिंह की जरूरत पड़ी तब यहां की माताओं ने भगत सिंह जी को दिया, इस राष्ट्र को चंद्रशेखर आजाद की जरूरत पड़ी तो इस राष्ट्र ने चंद्रशेखर आजाद को दिया, इस राष्ट्र को जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जरूरत पड़ी तो इस भूमि ने पटेल को दिया। लेकिन आज इस राष्ट्र के साथ गैया का समूल नाश नष्ट किया, अब यह धरती बिलख बिलख के पुकारती है और मांगती है कि आज फिर से इस धरती को ऐसे वीर पुरुषों की जरूरत है। हमारी माताओं की कुछियों से एक वीर पुरुष पैदा नहीं लेता, इसके मूल में अगर कुछ है तो वह गाय है, हमने गाय को खोया है। आज 60 व्यक्ति पर एक गाय है, इसलिए वीर पुरुष पैदा नहीं लेते इस धरती पर। याद करो अथर्ववेद के उस सूक्त को जिसमें अथर्ववेद कहते हैं तजो राष्ट्रस्य निरहन्ति ना वीरो जायते वृषा, उस राष्ट्र में वीर पुरुष पैदा नहीं ले सकते जिस धरती पर नंदी ना हो। अंग्रेजों ने 1945 तक इस धरती से सारे नंदियों को कटवा दिया, उत्कृष्ट कोटि की नंदियां आज भी हमारी इस धरती पर नहीं है, धरती विहीन हो गया, धरती नंदी विहीन हो गया, अब इस राष्ट्र में वीर पुरुष कैसे पैदा लेंगे? इसलिए अगर इस राष्ट्र को बचाना है, खासकर इस विषय पर माताओं को सोचने की जरूरत है। आप ही जननी हो,
आप भी इस धरती को वीर पुरुष दे सकते हो, इस धरती को वीरांगनाएं आप ही दे सकती हो, आप ही धारण कर सकती हो फिर भगवान श्री कृष्ण को, आप ही धारण कर सकती हो युधिष्ठिर को, आप ही धारण कर सकती हो अर्जुन को। लेकिन अगर ऐसा करना है तो आपको गाय के सानिध्य में जाना पड़ेगा, गाय के गव्यों से ब्रह्म ऊर्जा लेनी पड़ेगी, गाय के गव्यों से शिव ऊर्जा लेनी पड़ेगी, गाय के गव्यों से विष्णु ऊर्जा लेनी पड़ेगी, और ऐसी ऊर्जा से परिपूर्ण माता ही अपने गर्भ में वीर पुरुष को धारण कर सकती है। इसलिए जरूरी है इस राष्ट्र को बचाने के लिए कि इस राष्ट्र में फिर से गाय का संवर्धन हो। इस राष्ट्र की गौशालाओं से मैं निवेदन करता हूं कि गौशालाओं में नंदियों को प्रमुख स्थान दिया जाए, नंदियों के संवर्धन के लिए गौशाला की पूरी शक्ति लग जाए। इस राष्ट्र के गांवों में फिर से नंदियों का राज होना चाहिए, हमारे देश के गांवों में नंदी निर्भीक रूप से विचरण कर सके, ऐसा वातावरण बनना चाहिए। अगर ऐसा वातावरण बना तो हमारे देश की माताएं फिर से वीर पुरुषों को अपने कुच्छी में धारण कर सकती हैं, और तभी इस राष्ट्र का उत्थान हो सकता है, यह राष्ट्र उदित हो सकता है। तो गाय देखो इतनी अद्भुत है, और इतनी अद्भुत जीव को हमने इसलिए नष्ट होने दिया क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि यह बेकार है, इससे किसान को कोई लाभ नहीं मिलता, इससे परिवार को कोई लाभ नहीं मिलता, उनके कहने पर चले और आज हमने गैया का समूल नाश किया है। फिर से इसे स्थापित करो, और इसके लिए कोई पड़ोसी देश का व्यक्ति नहीं आने वाला है, इसके लिए अमेरिका से कोई लोन नहीं मिलने वाला है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक से कोई लोन नहीं मिलने वाला है, IMF से कोई लोन नहीं मिलने वाला है। ये जो दो बड़े माफिया हैं दुनिया में, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये तो चाहते हैं कि किस दिन भारत की भूमि से समूल गैया का नष्ट हो जाए, और गैया के गव्यों में जो अद्भुत ताकत है इस ताकत को कैप्सूल में भरकर मैं फिर से भारत के बाजार पर कैसे कब्जा कर लूं। और यही कारण है कि पिछले 20 वर्षों से भारत के गांवों से ढूंढ ढूंढ कर जो उत्कृष्ट उच्च कोटि की जो गायें हैं, उच्च कोटि के जो नंदी हैं, इनको यहां से ले जाया जा रहा है। और यूरोप के कई देश जिनकी आंख भारत के भविष्य पर लगी हुई है, वे अपने यहां भारतीय नस्ल की गाय के संवर्धन में जुट गए हैं। आप भी इस सत्य को जानते होंगे कि आज गुजरात की धरती पर जीने वाली गीर गाय भारत से ज्यादा ब्राजील में है। ब्राजील नाम के देश ने गीर गाय की ताकत को पहचाना और हमसे ज्यादा संवर्धित कर लिया। अब ब्राजील की जो नजर है वह यह नजर है कि भारत से कैसे समूल गाय का नष्ट हो जाना हो जाए, और भारत के लोग जागें, जब गव्यों को खोजें तब मैं कैसे अपने यहां से गीर गाय के गव्य को भारत में सप्लाई कर दूं। अब उनकी नजर वहां पर है। दुख तो मुझे तब होता है जब कैंसर नाम की बीमारी से लड़ने के लिए हमारे देश में वेद उपलब्ध हैं, गौमूत्र का विज्ञान उपलब्ध है, पंचगव्य का विज्ञान उपलब्ध है, हमारे देश के लोग गव्यों का सेवन नहीं करते, लेकिन हमारे देश से गाय का मूत्र एक्सपोर्ट हो रहा है और उससे औषधियां बनती है, कैप्सूल में भरी जाती है, और 2,000 रुपए की एक एक कैप्सूल आज भारत के बाजार में कैंसर से लड़ने के लिए बिक रहा है। फिर भी हमारे देश में प्रतिदिन 1,000 कैंसर के मरीज मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन दवाइयों की कीमत बहुत अधिक है। एक कैप्सूल 2,000 रुपए की है। कल्पना करो कि गरीब आदमी, उसको अगर कैंसर हो जाए, वह कैसे उस कैंसर से मुक्ति पालेगा। इसलिए दुनिया के लोग हमारी गैया को व्यापार बना लें, हमारी गैया के गव्यों का व्यापार बना लें, उससे पहले हम भारतीयों को जग जाना पड़ेगा। और अपनी गाय के गव्यों में जो छिपी हुई ताकत है, दूध में जो छिपी हुई ताकत है, गोबर में जो छिपी हुई ताकत है, गौमूत्र में जो छिपी हुई ताकत है, इस ताकत को पहचानना पड़ेगा और उसे दैनिक जीवन में उपयोग में लाना पड़ेगा। गैया के देखो तीनों गव्य अद्भुत हैं। दूध की अद्भुतता तो हमने बताई आपको कि दूध जो बिल्कुल जल की तरह दिखता है उसमें अग्नि छिपा हुआ है। अगर दूध का आप सीधे सेवन कर लो तो हमारे शरीर में अग्नि बढ़ जाती है।
इसी दूध को पानी में मिलाकर के पी लो तो शरीर की अग्नि शीतल हो जाती है। एक ही तो दूध है। अगर रात्रि में सोने के पहले अगर दूध का सेवन करो तब हमारे जठर की अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, यानी पाचन शक्ति बढ़ जाती है, शरीर में अग्नि बढ़ जाती है, हमारे द्वारा काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारे मस्तिष्क को सोचने की ताकत बढ़ जाती है। लेकिन इसी दूध को ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूरज उगने से पहले एक गिलास पानी में 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध डालो और पी लो, इस शरीर में अगर अग्नि बढ़ा हुआ है शीतल हो जाता है। अगर आज की भाषा में कहूं हाइपर एसिडिटी अगर किसी को है ना, शरीर में अम्ल का बढ़ जाना, हाइपर एसिडिटी हो जाना, अगर किसी को हाइपर एसिडिटी की बीमारी है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूरज उगने से पहले एक गिलास पानी में गैया का 2 चम्मच दूध डालिए, मिलाइए और पी जाइए, अम्ल पित्त शांत हो जाता है, हाइपर एसिडिटी से मुक्ति मिल जाती है। यही गैया का दूध है, पानी में मिला के पी लो शरीर शीतल होता है, पानी ना मिलाओ शरीर गर्म होता है। दुनिया में एक भी ऐसी कोई औषध बता दो जो दोनों तरह से क्रिया करती हो, एक भी बता दो, एलोपैथी चिकित्सा हो, आयुर्वेदिक चिकित्सा हो, या कोई भी दुनिया की चिकित्सा पद्धति हो, एक ही औषध से 2 विपरीत कार्य हो सकते हैं, ऐसी एक भी औषधि का नाम आप गिना नहीं सकते। लेकिन यह गैया का गव्य ऐसा ही अद्भुत है, एक गव्य से अनगिनत काम होते हैं। गैया के गव्यों का रूप बदल दो तो उसकी तासीर बदल जाती है। एक बार हमने परीक्षण किया कि गैया के दूध में कितना कैल्शियम है। आजकल जो डॉक्टर हैं वो कैल्शियम की बात ज्यादा करते हैं, आप चले जाओ कोई बीमारी ना निकले तो झट से आपसे डायग्नोसिस कुछ करवा देंगे, फिर कहेंगे जी कैल्शियम डिफिशियंसी है और चूने की गोली दे देंगे, और गोलियां इतनी महंगी होती है कि 200-250 रुपए की एक लीफ होती है, मुश्किल से उसमें 5 पैसे का चूना नहीं होता। चूना इस धरती का शुद्ध कैल्शियम है, इतना शुद्ध कैल्शियम है कि कोई भी एंटीबायोटिक भी उतना शुद्ध कैल्शियम नहीं होता। तो एक बार हमने गैया के दूध की जांच कराई, उसका केमिकल एनालिसिस किया कि इसमें देखें कितना कैल्शियम है, तो 1 लीटर दूध में 1 यूनिट कैल्शियम मिला मुझे। उसी गैया के दूध को, 1 लीटर दूध को दही बनाया हमने, और फिर दही का जो है केमिकल एनालिसिस किया तब पता चला उसमें 20 यूनिट कैल्शियम है। ये 19 यूनिट कैल्शियम कहां से आया पता नहीं, प्रोसेस का खेल है। गैया के किसी भी गव्य का प्रोसेस करो आप, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, कभी प्रोसेस लॉस नहीं होता। इस विध्वंसकारी विज्ञान की कमर गैया के हर गव्य के सामने टूटकर बिखर जाता है। जिस गाय के दूध में 1 यूनिट कैल्शियम था, दही के रूप में परिवर्तित होते के साथ 20 यूनिट कैल्शियम बन गया, तब लगा कि कुछ और करना चाहिए। इस गैया के दूध दही को मथ दिया हमने, और मथने के बाद उसमें से मक्खन निकाल लिया, बचा हुआ छाछ, इस छाछ का केमिकल एनालिसिस करके देखा 400 यूनिट कैल्शियम। मंथन की क्रिया के कारण उस दही में 400 यूनिट कैल्शियम हो गया, और उस दही में जब 1 जीरा के बराबर चूना मिलाकर उसकी केमिकल एनालिसिस की तब आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उसमें 4000 यूनिट कैल्शियम हो गया। दुनिया के किसी भी द्रव्य के साथ और दुनिया के किसी भी तत्व के साथ, दुनिया के किसी भी एंटीबायोटिक के साथ, दुनिया के किसी भी औषध के साथ ऐसी गुणवत्ता आपको नहीं मिलेगी कि प्रोसेस कर दो तो बढ़ जाता है। गाय ही है और गाय का गव्य ही है जो कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और तब से हमारी जो धारणा बनी कि दूध पीने से 4000 गुना अच्छा है छाछ पीना, तो छाछ पियो, दूध मत पियो। गैया अगर कम दूध देती है तो भी कोई दर्द नहीं, क्योंकि 1 लीटर दूध में आपके गुजरात के भूगोल में 3 से 4 लीटर छाछ बनता है। हाँ, आपका जो गुजरात का भूगोल है ना, इस भूगोल में जब दही के मंथन की क्रिया करो तो कम से कम 3 गुना पानी डालो आप,
ग्रीष्म ऋतु में 4 गुना पानी डालिए और शीत ऋतु में 3 गुना पानी डालिए, वर्षा ऋतु में 2 गुना पानी डालिए। यह आपके गुजरात के भूगोल का है विज्ञान। तो गैया का 1 लीटर दूध है उससे 5 लीटर छाछ बनता है। हां, तो अगर आपके घर की गैया दूध कम करती है तो मैं तो विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि दूध पीना घाटे का सौदा है, क्योंकि उसमें 1 यूनिट कैल्शियम है। दही खा लो, थोड़ी चतुराई है, क्योंकि 20 गुना कैल्शियम है। और छाछ पी लो, यह तो सबसे निपुणता वाला गुण है, हां सबसे ऊंची समझ है छाछ पीना, क्योंकि उसमें 400 यूनिट कैल्शियम है। और केवल कैल्शियम नहीं, दूध में 16 तरह के मिनरल्स होते हैं, ये सारे 16 मिनरल्स इसी हिसाब में बढ़ते हैं, 20 गुना के हिसाब से बढ़ते हैं। गैया के दही में दूध के मुकाबले 20 गुना हर मिनरल्स है। और दही को जब मंथन क्रिया करके उसमें से मक्खन को निकाल दो, तब जो अवशेष बचता है छाछ, उसमें हर मिनरल्स दूध की अपेक्षा 4400 गुना अधिक है। और उसमें अगर जीरा भर आप चूना मिला दो तो कैल्शियम अकेले 4000 गुना अधिक हो जाता है, 4000 टाइम्स मल्टीपल हो जाता है। इसलिए जब कभी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो तो एक बार आप गैया के छाछ में चूना मिलाकर पीकर देख लेना। कुछ बीमारियों का नाम आपको मैं बता सकता हूं, जैसे 30 साल के बाद और कभी कभी 40 साल के बाद हमारी जो माताएं हैं देश की, उनके एड़ियों में एक तरह का जलन होता है या एक तरह का दर्द होता है। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब डायग्नोसिस में डॉक्टर बताएगा कि आपके शरीर में कैल्शियम बढ़ गया है, हड्डियों में कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है जिसके कारण एड़ियों में जलन है। और बच्चों में जब कैल्शियम अधिक होता है तब उनके नाक की हड्डी बढ़ जाती है, तो डॉक्टर कहेगा कि नाक कटवा लो। और सहजता पूर्वक पैसे देकर के आप अपने बच्चों के नाक की हड्डी कटवा लेते हो। अरे भाई, मैं तो कहता हूं इस देश में नाक कटवाना सबसे बुरी बात है। हमारी संस्कृति में अगर किसी को बेइज्जत करना है, उसकी इज्जत का कवाड़ा करना है, उसको कुछ ना करो, उसका नाक काट लो। हैदर अली ने अंग्रेजों के नाक ही काटे थे, गला नहीं काटी थी, क्योंकि हैदर अली को लगा था कि अगर गर्दन इस अंग्रेज की काट ली हमने तो ये तो मृत्यु को पा लेगा। तो उसने नाक नहीं काटी, उसने गला नहीं काटी, अंग्रेज अफसर का नाक और कान काट लिया और भेज दिया कि तुम जाओ और भुगतो, तुम किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। हमारे देश में तो इतनी ऊंची संस्कृति है कि किसी की नाक कट जाए तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है कि हमारे देश के युवा डॉक्टरों के पास जाकर अपनी नाक कटवा करके आ जाते हैं और ऊपर से पैसे अलग देते हैं। तो अब कभी अगर आपके शरीर में कैल्शियम बढ़ जाए और आपके नाक की हड्डी बढ़ जाए या आपके पांव की हड्डी बढ़ जाए और वो आपको परेशान करे, तब एक काम जरूर करना कि अपनी गैया का दूध लेकर के आना, कांकरेज गाय का दूध लेकर आना या गिर गाय का दूध लेकर के आना, या आपके राज्य में अगर थारपारकर हो तो उसका लेकर के आ जाना, अपने राज्य की गाय का दूध लेकर के आना। और उस दूध को जिस तरह से मैंने कहा उस तरह से उसका बिलावना करके छाछ बनाना आप, और सूरज उगने से पहले उस छाछ में थोड़ा सा जीरा के बराबर चूना मिला करके सेवन कर लेना। 45 दिन तक ऐसे छाछ का सेवन करने के बाद फिर से आप जांच करा करके देखना, आपके नाक की बढ़ी हुई हड्डी संतुलित हो जाएगी। अगर आपके पांव की बढ़ी हुई हड्डी संतुलित हो जाएगी, अर्थात यह कहने का जो मेरा तात्पर्य है वो यह है कि गाय का गव्य इतना अद्भुत है कि अगर शरीर में कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाए तो छाछ में चूना मिलाकर पी लो, कैल्शियम बढ़ जाएगा। और शरीर में अगर कैल्शियम बढ़ गया है किसी कारण से तो भी छाछ में चूना मिलाकर पी लो, शरीर का बढ़ा हुआ कैल्शियम घट जाएगा। दुनिया में एक भी ऐसी औषध बता दो
इस दुनिया में एक भी ऐसा एंटीबायोटिक बता दो आप जो अकेले इस शरीर में बढ़े हुए कैल्शियम को घटा दे और शरीर में घटे हुए कैल्शियम को बढ़ा दे। दुनिया में किसी भी ड्रग्स की ताकत नहीं और दुनिया में किसी भी औषधि की ताकत नहीं, आयुर्वेद के किसी भी वनस्पति की ऐसी ताकत नहीं जो एक ही औषध शरीर में दोनों तरह की क्रिया करे। गाय के सारे गव्य ऐसे अद्भुत हैं, अग्नि रूपी घृत अगर हमारे जठर में अग्नि उत्पन्न कर सकता है तो यह घृत हमारे जठर की अग्नि को मंद भी कर सकता है। गाय के पांचों गव्य अद्भुत हैं। गव्यों के पास एक समझ होती है। गव्य जब शरीर के अंदर जाता है तब वह शरीर से पूछता है कि मुझे क्या करना है, क्या बढ़ा हुआ है शरीर में, तो शरीर कहता है कि ये मिनरल्स बढ़े हुए हैं, तब गव्य उस मिनरल्स को घटाता है और शरीर ने कहा कि इस शरीर में इन इन तत्वों की कमी है, तब उन कमियों को पूरा करता है। बढ़ा हुआ है तो घटा देता है, घटा हुआ है तो बढ़ा देता है। किसी भी स्तर पर इस शरीर के अंदर व्याप्त 32 जो तत्व हैं उन तत्वों में कैसी भी कमी आने दो या कैसी भी बढ़ोतरी आने दो, ये गव्य उसको संतुलन पर लेकर के आते हैं। गाय का गव्य इस शरीर को संतुलित करता है। इस शरीर में जितने भी तत्व हैं इन तत्वों में संतुलन पैदा करता है, मध्य में लाता है। इतना अद्भुत है। और अंत में ऋषि चरक जी का दिया हुआ एक अद्भुत सूत्र, उस सूत्र को संस्कृत के इस सूत्र को ऋषि घाग भटरी ने अपभ्रंश भाषा में अनुवादित किया है। इसे मैं सबसे पहले अपभ्रंश भाषा में रखूंगा और उसके बाद फिर इसका हिंदी रूपांतरण करूंगा। और हरेश भाई ठाकर जी से निवेदन है कि वे इस सूत्र को गुजराती में अनुवाद कर दें। ऋषि चरक जी कहते हैं कि जो भोर ही मठा पियत है, मठा का अर्थ होता है छास, अपभ्रंश भाषा में छास को मठा कहते हैं। तो ऋषि चरक जी कहते हैं कि जो भोर ही मठा पियत है जीरा नमक मिलाए, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सूरज उगने से पहले छास का सेवन करता है जीरा और नमक मिलाकर, उस व्यक्ति का क्या हाल होता है। जो भोर ही मठा पियत है जीरा नमक मिलाए, बल बुद्धि बढ़त है तासे सब रोग जरी जाए। उस व्यक्ति के शरीर में बल बढ़ता है, वह बलशाली होता है, बुद्धि भी बढ़ती है और उस शरीर का सारा रोग जलकर नष्ट हो जाता है। आप थोड़ा गुजराती में इस सूत्र को बता दें। जे मनुष्य जे व्यक्ति सवारे सूर्योदय पहला, सूर्य नो उदय था ना 2:30 पहला छास ने अंदर मीठू अने जीरू नाखी ने पीवे, एनी बुद्धि में वधारो थाय, बल में वधारो थाय, अने जेटला पण शरीर में रोग हो ए रोग जड़ मूल थी नष्ट थाय, एवं चरक ऋषि द्वारा जे आ सूत्र नी अंदर बतावामां आव्युं छे। अब यहां पर एक बात देखो आपको समझ लेनी चाहिए कि ऋषि चरक जी के समय में हमारे देश में शुद्ध नमक मिलता था। शुद्ध नमक का अर्थ होता है सेंधा नमक, शुद्ध नमक का अर्थ होता है काला नमक, या शुद्ध नमक का अर्थ होता है झील का नमक। लेकिन यह जो समय है ऋषि चरक जी का समय नहीं है। अब शुद्ध नमक भारत भूमि पर नहीं मिलता, अब मिलता है आयोडीन नमक। तो अगर आप आयोडीन नमक मिलाकर के छास पियोगे तब यह परिणाम नहीं मिलने वाला है। हाँ, इसलिए सुबह अगर छास पीना है तो शुद्ध नमक मिलाकर पीजिए, शुद्ध जीरा मिलाकर के पीजिए। और अगर कैल्शियम की कमी है इस शरीर में या कैल्शियम बढ़ा हुआ है इस शरीर में, तब उसमें जीरा बराबर, जीरा जितना कम होता है, आकृति में जितना छोटा होता है
मात्र उतना चूना मिला करके पीजिए, इस शरीर में बल बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी, चतुराई बढ़ेगी और इस शरीर में कोई भी रोग नहीं टिक सकता। ये ऋषि चरक जी कहते हैं। और इन सूत्रों का जो है अनुपालन पिछले 7 वर्षों से मैं कर रहा हूं अपने शरीर के ऊपर और मरीजों के ऊपर, अद्भुत परिणाम आ रहा है। सारी औषधियां एक तरफ और यह छास जीरा नमक का गणित एक तरफ, भारी पड़ता है किसी भी औषधि पर। तो मेरा जो निवेदन है कि आप अपने रसोई घर में शुद्ध नमक लेकर के आइए और दूध पिए या ना पिए बाद का विषय है, लेकिन सुबह उठ करके छास जरूर पीजिए। छास अगर आपने पिया तो आपका पूरा परिवार निरोगी हो सकता है। और अंत में जो है, आज भी समय शायद हो गया है, समय हुआ, थोड़ा समय बचा है और एक विषय भी आज बचा है। आज मैं एक अन्य विषय की ओर आपको ले जाना चाहता हूं जिसका गंभीर परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर हुआ है, और वह विषय है रसोई घर का विषय। कल मैंने आपके सम्मुख जो बातें रखी थी महर्षि वाग्भट जी की, कि महर्षि वाग्भट जी ने हमारे देश में एक ऐसे रसोई घर की परिकल्पना करके दी जो दुनिया का, विश्व का सबसे संतुलित चिकित्सालय था, बेस्ट क्वालिटी हॉस्पिटल था रसोई घर। वह विकृत हुआ समय के साथ और आज भारत में रसोई घर का जो जगह है वो किचन ने ले लिया है। और किचन को कभी भी रसोई घर मत कहना। रसोई घर का अर्थ होता है ऐसा घर, ऐसा कमरा जिसमें रस का निर्माण हो। रस निर्माण होने वाला जो प्रयोगशाला है वह रसोई घर है, क्योंकि शरीर को भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर को अगर जरूरत पड़ती है तो रस की जरूरत पड़ती है। हम जो कुछ भी खाते हैं जब उसको चबाते हैं तब वह रस के रूप में ही परिवर्तित होता है, और रस जब आमाशय में जाता है तब आमाशय में उस रस का विघटन होता है, इट्स डिफ्यूजन। हमारा जो शरीर है वह केवल रस को डिफ्यूज कर सकता है, ठोस वस्तुओं का डिफ्यूजन हमारे आमाशय में नहीं होता, हमारे पेट की ताकत नहीं है। इस शरीर को रस की जरूरत है। अगर जौ खाना है तो जौ को रस के रूप में खाओ, सब्जी खाना है तो रस के रूप में खाओ, किसी भी अनाज को खाना है तो रस के रूप में खाइए, क्योंकि इस शरीर की जरूरत रस है, भोजन रूपी रस है। रस को ही यह शरीर डिफ्यूज कर सकता है। जब शरीर इसको डिफ्यूज करता है तब इसमें से तीनों ऊर्जाएं बाहर निकलती है। वहां पर महाविस्फोट हुआ था, प्रोटॉन्स का महाविस्फोट, तब तीनों ऊर्जाएं अलग हुई थी। हमारे शरीर में जो यह विस्फोट की क्रिया है या विघटन की क्रिया के रूप में होती है, आज की भाषा में डिफ्यूजन की क्रिया से होती है। भोजन रूपी रस जब आमाशय में डिफ्यूज होता है तब उसमें से तीनों ऊर्जाएं निकलती है, ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा, और इन तीनों ऊर्जाओं को शरीर शोषित करती है। शरीर जब शोषित करता है तब इन तीन ऊर्जाएं अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हमारे शरीर में कार्य करते हैं। ब्रह्म ऊर्जा से चेतना जागृत होता है, विष्णु ऊर्जा से हमारे शरीर का ढांचा संतुलित रहता है, और शिव ऊर्जा हमें प्राकृतिक विपदा से, प्रकृति में आए हुए असंतुलन से बचाने का कार्य करता है। तो यह जो शरीर है वह रस से चलने वाला है, इसलिए महर्षि वाग्भट जी ने रसोई घर की परिकल्पना की थी। आज जो रसोई घर किचन में बदल गया, इसमें 5 प्रमुख जहरों ने स्थान ग्रहण कर लिया है। तो राष्ट्र की माताओं से जो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप थोड़ा सचेत हो जाइए, थोड़ा जागृत हो जाइए और अपने इस किचन से 5 जहर को बाहर निकाल दीजिए। अगर आपने 5 जहर को बाहर निकाल दिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में 70% से ज्यादा बीमारियां नहीं आएगी। 70 से 80% बीमारियां आपको घेर नहीं सकती है, उन बीमारियों से आप बचे रहेंगे। उसमें जो पहला जहर है वह है आयोडीन नमक, आयोडीन नमक, फ्री फ्लो नमक। इस फ्री फ्लो के चक्कर से बाहर निकल जाओ, यह बहुत खतरनाक है। सफेद जहर
रूपी नमक ने हमारे शरीर को बहुत बिगाड़ रखा है। हमारी सरकारें कहती है कि शरीर में आयोडीन की जरूरत है, लेकिन सरकारों को यह भी पता है कि इस देश में कोई ऐसा भारतीय नहीं है जो बिना दाल के भोजन करता हो, और दाल से ज्यादा शुद्ध आयोडीन किसी भी वस्तु में नहीं मिलता है। दालों के माध्यम से हमारे शरीर में भरपूर आयोडीन मिलता है। यह आयोडीन तब तक हमारे शरीर के लिए अच्छा है जब तक यह हमारे शरीर में संतुलित रूप में हो, लेकिन जिस दिन आयोडीन नमक खाने से हमारे शरीर में आयोडीन का संतुलन बढ़ जाता है, बिगड़ जाता है, उसी क्षण से हमारा शरीर नपुंसक होने लगता है। आज भारत की जो 30% बेटियां बांझ हैं, इनके मूल में आयोडीन नमक है। आयोडीन नमक ने भारत की बेटियों को बांझ कर दिया, हमें थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ। तो ऐसे खतरनाक जहर को रसोई घर से बाहर निकालो और शुद्ध नमक खाइए, ऐसा शुद्ध नमक जैसा शुद्ध नमक भारत के लोग अंग्रेजों से पहले खाते थे, अंग्रेजों के आने से पहले का भारत और अंग्रेजों तक का भारत ऐसा था। इस भारत में सभी लोग सेंधा नमक ही खाते थे। भारत का पुराना इतिहास उलट करके देखो, सेंधा नमक खाते थे। भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति सेंधा नमक खाता था, काला नमक का काम आता था। और कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में जहां झील की सुविधा है वहां के लोग झील के नमक खाते थे। तो फिर से अगर हमें हमारे देश की जनसंख्या को बचानी है, बेटियों को बचाना है, अपने बेटों को अगर नपुंसकता से बचाना है, तो एक काम करो, इस सफेद जहर को रसोई घर से बाहर निकाल दो आप। और गौशालाओं और उसके संचालकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप गैया को कभी भी आयोडीन नमक मत खिलाइए। अगर उसको खिलाना है तो आप सेंधा नमक खिलाइए उसको आप। तो पहला जो जहर है हमारे रसोई घर में वह आयोडीन नमक है। दूसरा जो सफेद जहर हमारे रसोई घर में है वह है सफेद चीनी। सफेद चीनी से मुक्ति पाइए। सफेद चीनी देखो किससे बनता है, गन्ने से बनता है। और गुड़ किससे बनता है, गुड़ भी गन्ने से बनता है। गन्ना ही है जिससे चीनी बनती है और गन्ना ही है जिससे गुड़ बनता है। दोनों का रॉ मटेरियल एक है। यूरोप की धरती पर गन्ने से गुड़ बनाने की तकनीक खोजी गई, लेकिन भारत भूमि पर गन्ने से गुड़ बनाने की तकनीक खोजी गई। देखो केवल यहां भी प्रोसेस का खेल है। गन्ना से चीनी बनाने की क्रिया में जितने रसायन मिलाए जाते हैं सभी खतरनाक रसायन हैं। 17 तरह के खतरनाक रसायन मिलने के बाद गन्ने का रस चीनी में परिवर्तित होता है, लेकिन इसी गन्ने के रस से जब गुड़ बनता है तब किसी भी रसायन की जरूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक रूप में गन्ने के रस से गुड़ बनता है, और गन्ने के रस का केमिकल एनालिसिस करके देखो आप, उसमें बहुत कम मिनरल्स हैं, उसमें कोई भी फास्फोरस नहीं है। लेकिन वही गन्ना का रस जब अग्नि पर तपता है और गुड़ बनता है तब उस गुड़ में सभी तरह के फास्फोरस हैं जिनकी जरूरत इस शरीर को है। फास्फोरस का सबसे बड़ा खजाना अगर इस धरती पर है तब गुड़ है। यह प्रोसेस का खेल है। भारत के ऋषियों ने गन्ने से गुड़ बनाने की ऐसी अद्भुत क्रिया निकाली जिसमें स्वतः फास्फोरस आ जाता है, लेकिन यूरोप की मंद बुद्धि ने गन्ने के रस से चीनी बनाने का ऐसा खेल निकाला जिसमें गन्ने का रस सब कुछ खत्म होता है और उसमें केवल जहर भरता है। तो ऐसे उजले चीनी खाने से बचो, रसोई घर से बाहर निकालो ऐसे चीनी को। चीनी सफेद जहर है, और चीनी अगर घर से बाहर निकले तब आपके पास बहुत कुछ है खाने के लिए। खाने के लिए आपके पास मिश्री है, हाँ शुद्ध मिश्री मिलता है आपके गुजरात में। आपके पास खाने के लिए खांड है, भूरा है, देसी शक्कर है, कुछ नाम मिले तो गुड़ है। गुड़ अद्भुत है, गुड़ खाइए, प्रतिदिन खाइए। अगर मधुमेह है, डायबिटीज है, तब भी खाइए। गुड़ खाओगे डायबिटीज गिर जाएगा।
गुड़ खाने से कभी डायबिटीज नहीं बढ़ता। हम तो अपने सारे डायबिटीज के मरीजों को गुड़ में खिलाता हूं, अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिख के देता हूं, नियमित रूप से गुड़ खाइए, किसी का डायबिटीज नहीं बढ़ता। लेकिन जैविक गुड़ खाओ, इतना अद्भुत है ये गुड़। अगर आप किसी भी गव्य सिद्ध के निरीक्षण में अगर अपनी चिकित्सा करा रहे हो तो हमारा गव्य सिद्ध जरूर आपके डायबिटीज के स्तर को चेक करके लिखेगा कि प्रतिदिन कितना गुड़ आप खा सकते हैं। तो गुड़ खाइए, गुड़ बहुत ही अद्भुत औषध है। महर्षि वाग्भट जी के जो 48 मसालों की श्रृंखला है उसमें से एक है। तो गुड़ खाइए, चीनी को बाहर निकालिए। और तीसरा जो जहर है हमारे किचन में घुसा हुआ वह है उजला दूध। उजला दूध का अर्थ है भैंस का दूध, उजला दूध का अर्थ है जर्सी का दूध, हॉस्टियन का दूध, फ्रीजियन का दूध और डेयरी का दूध। हाँ, डेयरी का दूध उजला दूध है, यह दूध नहीं जहर है। भारत की डेयरियां दूध नहीं बेचती, भारत की डेयरियां जहर बेचती है। आपके यूरोप का डेयरी हो या हमारे यहां तमिलनाडु की डेयरी हो या दिल्ली का डेयरी हो या पश्चिम बंगाल का डेयरी हो, भारत के सारे डेयरी दूध के नाम पर जहर बेच रहे हैं। इस उजले दूध से बचो, यह दूध नहीं जहर है, यह जीवन नहीं मृत्यु है। हमारे कुछ वैज्ञानिक साथियों ने भारत के सारे डेयरियों के दूध के नमूने की सैंपल जांच की और उसमें से पाया कि भारत के सारे डेयरी वाले दूध में हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम के जहर को मिलाते हैं। डेयरी के दूध में सोडियम लॉरेल सल्फेट नाम का जहर मिला हुआ होता है। थोड़ा भी अगर रसायन शास्त्र का आपको ज्ञान हो या ना भी ज्ञान है तो आप नेट पर बैठ करके गूगल में आप ढूंढो व्हाट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, आप डालो, आपको पता चल जाएगा कितना जहर है, वो कितना बड़ा जहर है। व्हाट इज सोडियम लॉरेल सल्फेट टाइप करके तो देखो ना, आपको पूरी कहानी सोडियम लॉरेल सल्फेट की मिल जाएगी। और ऐसे दो खतरनाक जहर डेयरी के दूध में है, डेयरी मिल्क व्हाइट पॉइजन। बचो, अपने परिवार को बचाओ, रसोई घर से बाहर निकाल दो। ऐसा दूध पीने से अच्छा है गर्म पानी पी लेना, कम से कम पेट के रोग तो नहीं होंगे। तो ये तीन जहर हैं। चौथा जो जहर है वह बड़ा गंभीर है। हाँ, इतना गंभीर है कि आप बुरा मान जाओगे कि इसको रसोई घर से कैसे निकाल दें, और वह है गेहूं। हाँ, गेहूं का आटा चौथा सफेद जहर हमारे किचन में है। गेहूं से बचो, गेहूं से बचोगे डायबिटीज से बचोगे, गेहूं से बचोगे हाइपर एसिडिटी से बचोगे, गेहूं से बचोगे अर्थराइटिक से बचोगे। गेहूं का आटा सफेद आटा होता है, सफेद आटा से बचो, यानी गेहूं से बचो। गेहूं भारत के जलवायु के लिए सबसे खतरनाक अनाज है। इसकी जो प्रकृति है गेहूं की, यह भारत के भूगोल से मिलता जुलता हुआ नहीं है। हमने बहुत ढूंढा भारतीय ग्रंथों में, चिकित्सा के ग्रंथों में, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रहम, माधव निदानम, भेल संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बहुत सारे संस्थाओं में मैंने बहुत ढूंढा कि कहीं भी किसी महर्षि ने गेहूं के बारे में कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है। हमारे देश के किसी भी आयुर्वेद के ग्रंथ में गेहूं का वर्णन तक नहीं है। यह बात सत्यापित करता है कि गेहूं हमारे देश का मूल अनाज नहीं है। हाँ, मूल अनाज हमारे देश का है जौ। जौ समझते हो, गुजराती में क्या बोलते, जौ बोलते ना, जौ हमारे देश का मूल अनाज है। तो जौ की रोटी खाइए, जौ की दलिया खाइए, यह विशुद्ध अनाज है। और जौ का ही विकृत रूप जो है वह गेहूं है। गेहूं भारत के भूगोल में भारत की तासीर के उल्टा है। गेहूं खाओगे अनगिनत बीमारियां होगी। जब तक भारत और भारत के लोग गेहूं नहीं खाते थे तब तक भारत में कई बीमारियां नहीं थी, जिसमें डायबिटीज भी नहीं था।
आर्थराइटिक्स भी नहीं था, हाइपर एसिडिटी भी नहीं था। ये सब बीमारियां तभी से हमारे भारत में शुरू हुआ है जब से भारत के लोग गेहूं खाना शुरू किए हैं। पूरे भारत का हमने आंकड़ा निकाला है, सर्वेक्षण किया है किन किन राज्यों में आर्थराइटिक्स ज्यादा है। तो यह आंकड़ा कहता है कि जो राज्य गेहूं ज्यादा खाते हैं उसी राज्य में मधुमेह नाम की बीमारी ज्यादा है। पंजाब गेहूं खाने वाला राज्य है, देखो सबसे ज्यादा कैंसर वहां है। पंजाब में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार का एक सदस्य कैंसर से ग्रसित ना हो। पंजाब में कोई एक परिवार आप ढूंढ के नहीं निकाल सकते जिस परिवार में एक व्यक्ति को डायबिटीज ना हो। कोई ऐसा परिवार आप ढूंढ के नहीं निकाल सकते जिस परिवार में हाइपर एसिडिटी ना हो। और एक जो खतरनाक परिवर्तन हमारे शरीर में आता है उसके बारे में तो मैं इस सामूहिक संवाद में बोल भी नहीं सकता। गेहूं इतना खतरनाक अनाज है और भारत के जो राज्य गेहूं नहीं खाते हैं जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे उड़ीसा, जैसे आंध्र प्रदेश, जैसे तमिलनाडु, जैसे केरल, इन राज्यों में डायबिटीज के मरीजों की संख्या सबसे कम है। यह तो प्रमाणित है, आप भी सर्वेक्षण करके देख सकते हो। आपके गुजरात के मुकाबले पश्चिम बंगाल में डायबिटीज के मरीज कम हैं, गुजरात के मुकाबले राजस्थान के मुकाबले केरल में डायबिटीज के मरीज कम हैं। केरल के लोग कभी भी गेहूं नहीं खाते, हमारे प्रदेश में गेहूं कभी नहीं खाते, कभी कोई एक बार पर्व त्योहार हुआ तब गेहूं का पकवान बनता है, कभी एक बार दो तीन चार महीने में। तो हमारे राज्य में देखो डायबिटीज बहुत कम है। आंध्र प्रदेश में चले जाओ आप, पूरा आंध्र प्रदेश चावल खाता है, गेहूं नहीं खाता कभी भी। डायबिटीज आपके गुजरात और राजस्थान से तो बहुत कम है। भारत के जो राज्य गेहूं नहीं खाते वहां डायबिटीज कम है, यह प्रमाणित करता है कि डायबिटीज होने में गेहूं की बड़ी भूमिका है। इसलिए गेहूं मत खाइए, और गेहूं को अगर आप अपने रसोई घर से बाहर निकाल दो तब खाने के लिए बहुत कुछ है। जौ की रोटी है, बाजरी की रोटी है, जवारी की रोटी है, नाचनी की रोटी है। आप चाहो तो सप्ताह के 7 दिन में 7 तरह की रोटी खा सकते हैं अगर गेहूं से मुक्ति मिल जाए तो। यह गेहूं ही है जो रसोई घर में बाजरी को आने नहीं देता, यह गेहूं ही है जो रसोई घर में नाचनी को नहीं आने देता, मक्के को नहीं आने देता। जितने विशुद्ध अनाज हैं इस धरती पर जिनमें तीनों ऊर्जाएं समरूप में है, बाजरी का दाना, जवारी का दाना, मकई का दाना, रागी का दाना, ये सभी ऐसे अनाज हैं जिसमें ब्रह्म ऊर्जा, शिव ऊर्जा और विष्णु ऊर्जा समरूप होते हैं। यह गेहूं ही अकेला है जिसमें ये तीनों ऊर्जाएं समरूप नहीं होती। सबसे कम अगर होता है गेहूं में कुछ तो वह शिव ऊर्जा। इसलिए गेहूं खाने वाला व्यक्ति कभी भी शारीरिक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकता, उसे बीमारियां तो होगी ही। तो ये जो है चौथा सफेद जहर हमारे रसोई घर का, इसको घर से बाहर निकाल दो। और जब कभी मन कर जाए तब गेहूं की रोटी खाना। आपके गुजरात के भूगोल में केवल 2 महीना ही ऐसा है जिस समय आप गेहूं की रोटी खा सकते हो। उन दिनों आपकी तबीयत गेहूं की रोटी खाने से नहीं बिगड़ेगी, और वह जो समय है आपके नव वर्ष से लेकर के मकर संक्रांति का समय, यानी दीपावली से लेकर होली तक अगर गेहूं की रोटी खा लो आपको नुकसान नहीं करने वाला है। लेकिन होली से लेकर दीपावली तक अगर आपने गेहूं की रोटी खाई तब इस शरीर में बहुत विकृतियां उत्पन्न होगी। तो गेहूं से बचो आप। तो इस तरह से रसोई घर का जो चौथा जो सफेद जहर है इसको घर से बाहर निकाल दो। चीनी को बाहर निकाल दो, नमक को बाहर निकाल दो, गेहूं को बाहर निकाल दो। अब एक और सफेद जहर बचा है, हाँ एक और सफेद जहर बचा है, वह है उजला चावल, व्हाइट राइस जिसको कहते हैं। सफेद चावल यह हमारे रसोई घर का अगला सफेद जहर है।
इस सफेद चावल को भी बाहर निकाल दीजिए। देखो सफेद चावल, चावल कभी भी सफेद नहीं होता, हां चावल कभी भी सफेद नहीं होता। चावल को जब सल्लर मिल में सिलिकन रबरों के बीच में जब पीसा जाता है, जब उस पर चिकनाई चढ़ाई जाती है, तब वह चावल सफेद होता है, चाहे किसी भी प्रजाति का चावल हो। चावल के ऊपरी ऊपर एक परत होता है, वह परत लाल रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है और कभी कभी मटमैले रंग का होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। चावल का जो यह ऊपरी परत है, यह उस चावल का शिव ऊर्जा है। बड़े बड़े मिलों में होता क्या है, चावल की घिसाई होती है सिलिकन के रोलर के बीच में, इस घिसाई से चावल का ऊपरी परत निकल जाता है, जो उस चावल का शिव तत्व है, यानी हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाला जो तत्व है, यह बाहर निकल जाता है। और इस तत्व को ऊंचे दामों में मेडिकल इंडस्ट्रियों को बेचा जाता है, ड्रग्स इंडस्ट्रियों को बेचा जाता है, और ड्रग्स इंडस्ट्रियां जो है इससे औषधि का निर्माण करती है। और जो चावल की सिट्ठी बच जाती है अंदर वाला, यह आपको भरमाया जाता है कि यह अच्छे क्वालिटी का चावल है, वह चावल नहीं चावल का सिट्ठी है। तो चावल का सिट्ठी खाना बंद कर दो और शुद्ध चावल खाओ, बिना पॉलिश वाला चावल खाइए, शुद्ध चावल खाइए, शिव तत्व वाला, शिव ऊर्जा वाला चावल खाइए। तो इस तरह से पांच अगर सफेद जहर को आप अगर रसोई घर से बाहर निकाल दो, तब आपका जो है रसोई घर एक चिकित्सालय में बदल सकता है और आप कई गंभीर रोगों से बच सकते हैं। और आज मुझे जो चर्चा करनी थी वह ऋषि चरक के जीवन पर करनी थी, लेकिन आज समय उतना नहीं मिल पाया, तो कल की जो कथा संवाद होगा उसमें मैं कथा यहीं से शुरू करूंगा, ऋषि चरक का जीवन, ऋषि महर्षि घाग भड्री का जीवन और ऋषि वाग्भट्ट का जीवन, ये तीन ऋषियों के जीवन पर मैं आपसे बात करूंगा कल। और कल बात करूंगा महर्षि वाग्भट्ट के स्वास्थ्य के उन 46 सूत्रों पर, जिनमें से कोई 12 सूत्र लेकर के और आप जीवन भर निरोगी रह सकते हो। यह सूत्र भी बड़े देखो सरल हैं, कब उठना, कितने बजे उठना, उठने के बाद क्या क्रिया करना, भोजन कैसे करना, कब करना, रसोई कैसे पकाना, बिल्कुल सरल सरल क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से हम जीवन भर निरोगी रह सकते हैं। तो आज की जो कथा संवाद है इसको यहीं पर मैं विराम देता हूं, और अगर कोई प्रश्न हो आपके मन में तो जरूर आप पूछ लेना। पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में जो कुछ औषधियां बनती है, इससे आपको मैं परिचय करा दूं कि देखो ये गोबर का भस्म है और भारत सरकार के आयुष से प्रमाणित लेबोरेटरी ने सिद्ध किया है कि इसमें 46.6% प्रकृति का शुद्ध ऑक्सीजन है। तो अब जब आप पानी पीते हो उसमें इस अगर भस्म को आप घोल लोगे, तब इस भस्म में जो विद्यमान ऑक्सीजन है वह हल्का होने के कारण पानी में घुल जाता है और यह नीचे बैठ जाएगा। ऊपर के पानी को अगर आप निथार करके पी लेंगे तब शरीर में भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा और दुनिया के किसी भी रोग में यह ऑक्सीजन बहुत अच्छा काम कर सकता है। आपको चीन से आयातित ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ऐसा अद्भुत है यह। और कुछ और औषधियां हैं जिससे मैं आपको प्रतिदिन परिचित कराऊंगा। यह एक मंजन बनता है गोबर के कंडे से, यानी भस्म बनने से पहले वाली जो प्रक्रिया है जिसमें 27% ऑक्सीजन होता है, उससे बना हुआ यह दंत मंजन है। यह दंत मंजन आपके दांत से संबंधित किसी रोग को भी ठीक करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें 27% ऑक्सीजन है। दुनिया के किसी भी टूथपेस्ट में ऑक्सीजन नहीं है, दुनिया के किसी भी कंपनी के मंजन में ऑक्सीजन नहीं है।
लेकिन गाय के गोबर से जो बनता है दंत मंजन, इसमें 27 से 30% ऑक्सीजन होता है। और अगर हमारे दांतों को, मसूड़ों को अगर नियमित रूप से मंजन के माध्यम से ऑक्सीजन मिलता रहे तो कभी कोई दांत की बीमारी नहीं होती है, दांत की चमक भी अच्छी बनी रहती है और दांत के जड़ भी मजबूत रहते हैं। अगर कोई बीमारी हो भी जाए तब भी इस मंजन का आप प्रयोग करो, इससे जो है मुक्ति मिल जाती है। और इस तरह से कुछ और एक दो औषधियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इसी तरह से गौमूत्र से आंख की औषधि बनती है। आंख की कोई भी समस्या रहने दो, आप इस औषधि को अपनी आंखों में डालो, मिट जाता है। और आपको एक बात बताऊं, बड़ी गंभीर बात है कि अगर दुनिया की कोई ऐसी आंख की बीमारी आपको हो जाए जो दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल ठीक ना कर रहा हो, एक बार इसको डाल कर देखो आप, ये पूरा नेत्र चिकित्सा है। और ऐसा ही कानों का टिप्पा भी है, कान की कोई भी समस्या होने दो आप, यहां तक कि डायोफार्मा का फट जाना, डायोफार्मा का सड़ जाना, डाल कर देखो दोबारा डायोफार्मा बनता है, ऐसी औषध है। और ऐसी ही औषधि नाक की है, नाक का टिप्पा इसको बोलते हैं, नाक में ये डालो आप, ये घृत में बना हुआ होता है, इसे धूप में रख दीजिए, पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद आप दोनों नसिका में डाल दो आप, यहां से लेकर यहां तक के जितने भी रोग हैं सब रोग खत्म होते हैं। कभी कभी घर में किसी भाई को आप देखे होंगे, रात में अगर वो सो गया तो परिवार के किसी भी सदस्य को सोने नहीं देगा, इतना तेज खर्राटा। हाँ, अगर वो ट्रेन में सफर कर रहा है तो पूरा बॉगी नहीं सो पाता है। अगर ऐसी समस्या किसी की हो ना तो आप ये लेकर के जाओ, इसको गर्म पानी में डालना, इस बोतल को, या घी पिघल जाएगा, घी में जो औषधि है ये पिघल जाएगा। और एक इंक फिलर से लेकर दोनों नसिका में आप 3-3 बूंद डालकर सो जाओ, उसी दिन खर्राटे कम हो जाएंगे। और अगर लगातार आपने 15 दिन डाल लिया, सब दिन के लिए खर्राटा बंद हो जाएगा। बच्चों के नाक में अगर आपने 3 महीना तक लगातार डाल दिया तब बच्चों का मस्तिष्क ऐसा हो जाता है जैसे किसी कंप्यूटर में किसी ने एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क डाल दिया हो, इतना तेज यादाश्त शक्ति बढ़ जाती है, मेमोरी पावर इतना तेजी के साथ बढ़ता है। साइनस में डाल दो, साइनस खत्म हो जाता है। इसको, ये नाक का टिप्पा है, आंख में डाल दो, आंख की ज्योति बढ़ जाती है। कान में डाल दो, सुनने की शक्ति बढ़ जाती है, यानी पूरा ENT है ये। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी अद्भुत औषधियां पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में बनती है। इसमें से कुछ औषधियों पर डेली आपको मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ इसमें से बताता रहूंगा। और आज इस कथा संवाद के दूसरे दिन को यहीं पर हम विराम देते हैं, इस आशा के साथ कि आपकी जिज्ञासा के कुछ अगर प्रश्न हैं तो जरूर पूछ लीजिए आप।